वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट क्लास में हमने अल्फा हेलिक्स के बारे में डिस्कशन किया था और उसी पॉइंट को हम आज सबसे पहले प्रोसीड करेंगे। एक बार चीज़ों को दोबारा से समराइज कर लेते हैं। देखिए, अल्फा हेलिक्स को आप ऐसे सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक अमीनो एसिड चैन है। सपोज़ हमारे पास एक अमीनो एसिड सीक्वेंस है, ये इसका एन टर्मिनस है और सी टर्मिनस है, और इसी अमीनो एसिड चैन से एक हेलिक्स बन सकती है, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स में भी कई सारे टाइप्स होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमने अल्फा हेलिक्स की ही बातें की थी। तो अल्फा हेलिक्स में हम देखते हैं कि ये एक हेलिकल कन्फर्मेशन में आ जाती है। ठीक है, तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है ना, एक्सटेंडेड फॉर्म है, पूरी लेंथ है ना एक्सटेंडेड, और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इसके बाद में सबसे बड़ा इश्यू आता है कि कोई भी चैन अल्फा हेलिक्स क्यों बनती है ना, रीजन वन। तो पहला बड़ा रीजन ये है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ हो जाती है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि एन एंड एन प्लस फोर्थ अमीनो एसिड्स के बीच में हो जाती है, एन एंड एन प्लस फोर्थ अमीनो एसिड्स के बीच में हो जाती है। एन एंड एन प्लस फोर्थ अमीनो एसिड की बात करें तो इनका जो सी ओ एंड जो एन एच पार्ट होता है ना, उनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला बड़ा रीजन कि कोई भी चैन अल्फा हेलिक्स में तभी बदलेगी जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी एक निश्चित पैटर्न है, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन पैटर्न क्या रहेगा, एन 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 प्लस फोर्थ रहेगा, और फिर देखा जाए तो कौन से पॉइंट्स हैं, तो एमाइड प्लेन का सी ओ और एमाइड प्लेन का ही जो एन एच है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर आ पाती है। तो ये जो हमारा पॉइंट था एन एंड एन प्लस फोर्थ वाला, ये इश्यू है मैन चैन का, कि ये तो एमाइड प्लेन के पार्ट थे ना, ये मैन चैन का इशू है, ये मैन चैन रिलेटेड पॉइंट है। अब देखिए, अमीनो एसिड्स जब एक चैन बनाते हैं तो फिर उनमें साइड चैन भी होते हैं, साइड ग्रुप्स भी होते हैं, साइड ग्रुप्स। तो अभी हमने साइड ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, हमने केवल ये देखा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है उसको अल्फा हेलिक्स में कन्वर्ट होना हो तो उसके पास एन एंड एन प्लस फोर्थ एक सीक्वेंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके सी ओ और एन एच ग्रुप के बीच में होनी चाहिए। साथ में हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास एक मेम्ब्रेन सिस्टम हो और इस मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई प्रोटीन अपने आप को अल्फा हेलिक्स के रूप में लगाती है तो मेम्ब्रेन के अंदर उसका जितना भी भाग अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन में है, दिस इज अल्फा हेलिक्स, तो मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट उसका अल्फा हेलिक्स के रूप में लगा हुआ है वो सारा अल्फा हेलिक्स के रूप में तभी लग सकता है जब अल्फा हेलिक्स को बनाने वाले अमीनो एसिड मेम्ब्रेन जैसे हो, क्योंकि मेम्ब्रेन भी कैसी है, नॉन पोलर है, और इसको बनाने वाले अमीनो एसिड भी कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर अमीनो एसिड होने चाहिए। तो दो इश्यू आ जाएंगे, एक तो चैन बन जाएगी, हेलिक्स बन जाएगा, और दूसरा हेलिक्स को मेम्ब्रेन के अंदर इस्टेब्लिश होने में कोई इश्यू नहीं आएगा क्योंकि मेम्ब्रेन भी नॉन पोलर है और अल्फा हेलिक्स को बनाने वाले अमीनो एसिड भी नॉन पोलर है, तो वो जो हिस्सा है हेलिक्स का, इतना जो पार्ट है, ये अपने आप को मेम्ब्रेन में इंसर्ट करा सकता है। फिर अगर आपको इस अल्फा हेलिक्स की लेंथ वगैरह काउंट करनी हो
कि अल्फा हेलिक्स की लेंथ कितनी है, या आप उसकी लेंथ को एंगस्ट्रॉन में मेजर करना चाहो, तो आपको एक पैरामीटर ध्यान में रखना होता है कि अल्फा हेलिक्स के लिए अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2, यानी कि दो अमीनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉन। तो 1.5 एंगस्ट्रॉन के उनके बीच में डिस्टेंस होते हैं ना, उसकी वजह से हम किसी भी अल्फा हेलिक्स की लंबाई निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड पता हो। अगर हमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड पता हो, तो जैसे आपने कहा कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड 40 है, तो 40 अमीनो एसिड से अगर हम अल्फा हेलिक्स बनाएंगे तो अल्फा हेलिक्स की लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 × 1.5 = 60 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो नॉर्मली जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी थिकनेस को, नॉर्मल जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, नॉर्मल मेम्ब्रेन्स उनकी थिकनेस को हम लेते हैं अराउंड 30 नैनोमीटर, थिकनेस इज इक्वल टू 30 एंगस्ट्रॉन। तो 30 एंगस्ट्रॉन के लिए तो हमें कितना चाहिएगा कि 30 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.5 एंगस्ट्रॉन तो इज इक्वल टू 20 अमीनो एसिड्स। कि अगर 20-22 अमीनो एसिड का अगर सीक्वेंस हो और वो 20-22 अमीनो एसिड अगर नॉन पोलर अमीनो एसिड हो, तो आपके पास कोई स्ट्रक्चर, कोई सीक्वेंस हो और इस सीक्वेंस के अंदर कम से कम 20 अमीनो एसिड ऐसे हों जो नॉन पोलर हों, तो इनसे हेलिक्स बन सकती है। और ये हेलिक्स लंबाई में इतनी होगी कि ये मेम्ब्रेन को स्पान कर सकती है, क्योंकि 20 से हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 30 एंगस्ट्रॉन, तो ये बिल्कुल पर्याप्त है कि ये मेम्ब्रेन को स्पान कर सकती है। तो कुछ बिल्कुल से डायरेक्ट पॉइंट्स हैं और बिल्कुल वो के वो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं कि पहला पॉइंट कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है, ठीक है, कौन पार्टिसिपेट करता है, ओके, अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन में अगर इंसर्ट होती है अपने आप को इंटीग्रल प्रोटीन, अगर वो अगर कोई अल्फा हेलिक्स मेम्ब्रेन में लगी हुई है इंटीग्रल अल्फा हेलिक्स के रूप में, अगर हमें कुछ भी लेना हो तो हम ध्यान रखेंगे कि अमीनो एसिड कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर होने चाहिए, क्योंकि मेम्ब्रेन कैसी होती है, नॉन पोलर होती है। तो मेम्ब्रेन में मेम्ब्रेन जैसा ही, यानी कि नॉन पोलर एनवायरनमेंट में नॉन पोलर ही अपने आप को एग्जिस्ट करा सकता है, ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर हेलिक्स के पैरामीटर्स थे जो हमने डिस्कस किए थे, उसमें ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर पता होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर हम 30 एंगस्ट्रॉन लेते हैं तो 20 से 22 अमीनो एसिड हम एक सफिशेंट अमाउंट मान सकते हैं, कि 20 से 22 अमीनो एसिड्स अगर हमारे पास नॉन पोलर हों और वो एक कंटिन्यूस सीरीज में हो, कंटिन्यूस, तो वो वाला पार्ट अगर अल्फा हेलिक्स बनाए तो वो इतना बड़ा हेलिक्स होगा कि वो मेम्ब्रेन को स्पान कर सकता है, मेम्ब्रेन को एक बार स्पान कर सकता है, सिंगल स्पानिंग एच अल्फा हेलिक्स, कि मेम्ब्रेन को कोई प्रोटीन अगर अल्फा हेलिक्स के रूप में एक बार भेदना चाहता है तो भेदने वाले हिस्से की लंबाई कम से कम 30 एंगस्ट्रॉन होनी चाहिए, और अगर वो अल्फा हेलिक्स के रूप में इसको भेदना चाहता है तो उसमें कम से कम 20 अमीनो एसिड ऐसे होने चाहिए जो लगातार हों और जो नॉन पोलर हो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बातें आपकी क्लियर हो गई थी, कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना? देखिए बिल्कुल से सटीक पॉइंट है, बस आपको वही ध्यान में रखना ना। इसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अपन लेते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट का भी नंबर बता दिया फिर? ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट का नंबर बता दिया फिर? जैसे कि उन्होंने बोला कि वो कोई प्रोटीन है जो 7 टाइम स्पान कर रही है मेम्ब्रेन को, तो उसमें अपन को अमीनो एसिड्स निकालना। ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास कोई ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरियो रोडोप्सिन ले लीजिए, बैक्टीरियो रोडोप्सिन,
बैक्टीरियल एडॉप्शन जो हमारे हेलो बैक्टीरियम हेलोबियम है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर मिलने वाली प्रोटीन है, उसकी मेम्ब्रेन के अंदर मिलने वाली प्रोटीन है। और इस प्रोटीन की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 7 ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है। इस प्रोटीन के अंदर ऐसे 7 सेगमेंट्स हैं, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन अल्फा हेलिक्स, ठीक है ना। जैसे आप थोड़ा सा बड़ा करके देखें इस प्रोटीन को तो ये आपको ऐसा लगेगा कि इस प्रोटीन को बनाने के लिए 7 अल्फा हेलिक्स हैं वो काम कर रही है। ठीक है ना, 7 टाइम्स स्पानिंग कर रहे हैं, 7 टाइम्स। इट मीन्स इसमें 7 अल्फा हेलिक्स हैं। हर एक बार अगर अल्फा हेलिक्स के रूप में स्पान किया गया तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फा हेलिक्स हैं। और साथ में देखो कि जब अल्फा हेलिक्स घूम करके आएगी तो कुछ लूप भी हैं बाहर, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट भी है उसमें। तो ये भी अमीनो एसिड से बने ना, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हैं जो लूप वगैरह बना रहे हैं, तो दे आर फॉर्मिंग लूप्स। ठीक है, तो 7 अल्फा हेलिक्स से तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7 7 हेलिक्स, इसका मतलब मेम्ब्रेन को, मेम्ब्रेन की जो थिकनेस थी उसको आप ले लीजिए 30 एंगस्ट्रॉम। तो एक बार अगर 1 हेलिक्स अगर हो और 1 हेलिक्स अगर 30 एंगस्ट्रॉम जितना बड़ा हो, तो हमने अभी निकाला था कि 30 डिवाइडेड बाय 1.5, तो वी हैव 20 अमीनो एसिड। तो 1 हेलिक्स में 20 अमीनो एसिड हैं, तो 7 में कितने हो जाएंगे, 20 × 7 इज इक्वल टू 140 अमीनो एसिड। ठीक है, ये तो केवल हेलिक्स हेलिक्स का पैरामीटर है। कि हेलिक्स की बात की जाए तो हेलिक्स में कम से कम 140 अमीनो एसिड तो होने चाहिए, लेकिन अभी देखिए इनमें लूप्स वगैरह ये सब भी बने हैं, तो मोर देन 140 अमीनो एसिड्स होंगे। तो एग्जैक्ट 140 हो, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 140 से छोटा फिगर हो, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। 140 से थोड़ा सा बड़ा आंसर हो, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो मेम्ब्रेन को इसने 7 बार स्पान किया है, या 7 हेलिक्स इसमें हैं, तो 1 हेलिक्स 1 स्पानिंग के बराबर है, तो उसको आप 20 एंगस्ट्रॉन का ले रहे हैं। और उसके बाद में से 7 सेगमेंट थे, तो आप 20 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फिर आपको ये भी पता था कि इसमें कुछ ऐसा हिस्सा है जो हेलिक्स के अलावा है, जो बाहर से हेलिक्स घूम करके वापस आती हैं उसके लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ आपको इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, आई थिंक ऐसे ही कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे थे आप। यस सर, ठीक है, तो आप सिंपली ये ध्यान में रखें कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की थिकनेस को आपको कुछ भी नहीं बताया जाए ना, क्वेश्चन में कुछ भी ना बताया जाए, तो आप 30 एंगस्ट्रॉन मानेंगे। ठीक है, और 30 एंगस्ट्रॉन मान के अगर आप वर्क करेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 1.5 एंगस्ट्रॉन हमें 2 अमीनो एसिड्स के बीच की दूरी को लेना होता है। उसके बाद में अगर वो 7 टाइम मेम्ब्रेन को स्पान कर रही है, उसने नहीं बताया, वो डायरेक्टली कह देता है कि बैक्टीरियल एडॉप्शन है। ठीक है, तो आपको फिर ये ध्यान में रखना होगा कि भाई बैक्टीरियल एडॉप्शन तो मेम्ब्रेन को 7 टाइम स्पान करती है। अगर वो ग्लाइकोफोरिन बोल दे क्वेश्चन के अंदर, अगर ग्लाइकोफोरिन आ जाता तो क्या करते हैं हम, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लाइकोफोरिन कैसी प्रोटीन है। तो ग्लाइकोफोरिन तो आरबीसी की मेम्ब्रेन में मिलने वाली एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो केवल मेम्ब्रेन को एक बार स्पान करती है, तो उसमें एक ही अल्फा हेलिक्स है। तो एक ही अल्फा हेलिक्स है, तो हमें उसके उसके रिगार्डिंग सोचना पड़ेगा। अगर किसी ने 7 बार स्पान किया तो हमें उसके रिगार्डिंग सोचना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रोटीन मेम्ब्रेन को कितनी बार स्पान करती है। हालांकि ये चीज़ें हमें जो हमारा सेल बायोलॉजी यूनिट है वहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी के अंदर ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन सबको डिस्कस करते हैं, तो हमें ये आइडिया वहाँ से भी लग जाएगा। लेकिन हमें फिर भी कि अप्लाई कैसे करें, अल्फा हेलिक्स के लेकर के हम काम कैसे करें, तो हमें आना चाहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद में कुछ फर्दर पॉइंट्स को लेते हैं। सर हाँ बोलो।
प्रोटीन की 1 हेलिक्स में 20 अमीनो एसिड ही पाए जाएंगे, फिक्स है ये? नहीं कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि एन 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 प्लस फोर्थ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये अगर यहाँ पे 100 अमीनो एसिड्स के बीच में है तो ये हेलिक्स अब 100 अमीनो एसिड की बन जाएगी ना। 100 अमीनो एसिड लंबी अल्फा हेलिक्स बन जाएगी। और आपने कहा कि ये बॉन्डिंग केवल 10 अमीनो एसिड के बीच में ही है, तो वो हेलिक्स तो छोटी सी बन जाएगी। तो ये है मेन चीज़ कि लगातार कितनों के बीच में ऐसा पैटर्न है, क्योंकि इसके बिना हेलिक्स नहीं बन सकती। हाँ वो अलग चीज़ है कि मेम्ब्रेन में किसी को लगना है हेलिक्स के रूप में, आप चाहते हैं कि मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन का हिस्सा हेलिक्स के रूप में हो, तो फिर आपको ये वाला काम जो हम पीछे बात कर रहे थे वो डिस्कस करना पड़ता है कि 20-22 अमीनो एसिड लेने पड़ते हैं। अदरवाइज एक हेलिक्स तो कितनी बड़ी भी हो सकती है। मान लो कि एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, कोई ग्लोबुलर प्रोटीन है और इस ग्लोबुलर प्रोटीन की साइज बहुत बड़ी है और ये मेम्ब्रेन में नहीं लगी हुई, कहीं और लगी हुई है, तो इसमें कोई हेलिक्स कितनी भी लंबी हो सकती है। वो तो हेलिक्स कितनी लंबी होगी ये तो डिपेंड करेगा कि आप उसके नंबर ऑफ अमीनो एसिड बता दीजिए कितने हैं। नंबर ऑफ अमीनो एसिड आपने कहा कि 400 अमीनो एसिड है, तो आप 400 अमीनो एसिड से तो बता देंगे कि 400 डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये फिगर आपके पास आ जाएगा कि यहाँ पे कितने हैं। दिस इज 30, 10 और 100, 260 के समथिंग आएगा ना, 260 एंगस्ट्रॉम। तो ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो 20 अमीनो एसिड का ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मेम्ब्रेन के लिए आपको इतना सोचना होता है बस। सर ये आपने 400 अमीनो एसिड लिए इनटू 1.5 करेंगे ना, तब आएगा। अच्छा हाँ हाँ सही 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 हाँ 400 आपने अमीनो एसिड लिए, बिल्कुल करेक्ट। 400 अमीनो एसिड लिए तो आपको दो के बीच की डिस्टेंस इतनी थी ना, तो ये आ जाएगा आपका 600 एंगस्ट्रॉम। तो आप बिल्कुल इस प्रकार से ध्यान में दें कि आपको ये पैटर्न, बस ये पैटर्न आपको कितनी कितने बड़े स्ट्रैंड में मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो आपको 30 एंगस्ट्रॉम तक आपको जाना होता है, उसके रिगार्डिंग आप 20, 22 ऐसे फिगर तब काम में लेते हो, ठीक है ना। और कोई इशू हो? ठीक है चलिए, फिर कुछ पॉइंट्स को हम इसमें ऐड करते हैं। देखो पहला तो आपको ये क्लियर करना है कि अल्फा हेलिक्स एक डिज़ाइन है, और इसको सही तरीके से बोला जाए तो एक कन्फर्मेशन है। यानी कि एक ही चीज़ है, एक सीक्वेंस है और वही एक हेलिक्स में बदल जाती है, तो अंतर कुछ भी नहीं है। पहले भी अमीनो एसिड थे, अब भी अमीनो एसिड है, बस उनका डिज़ाइन चेंज हो गया है। तो अल्फा हेलिक्स एक कन्फर्मेशन है ना, और ये जो कन्फर्मेशन है कि ये हमने सीक्वेंस ली थी, तो इस सीक्वेंस को हम प्राइमरी कन्फर्मेशन बोलते हैं, और इसको हम उससे हायर ऑर्डर है तो हम इसको सेकेंडरी कन्फर्मेशन बोलते हैं। तो एक प्रकार का कन्फर्मेशन ही है, लेकिन इस कन्फर्मेशन के लिए कुछ चीज़ें जिम्मेदार हो गई। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न, कि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है वो इसके लिए जिम्मेदार है, उसी ने ये बनाया है या उसी की वजह से ये बना है ना। तो हेलिक्स एक कन्फर्मेशन हुआ, और उस कन्फर्मेशन को बनाने के लिए देखा जाए तो सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ओके तो अब देखिए कि कुछ चीज़ें आएंगी कि एक तो ऐसी चीज़ें जो अल्फा हेलिक्स को प्रमोट करती हैं, कि अल्फा हेलिक्स बनने के लिए मदद करती हैं, और एक वो चीज़ें आएंगी जो अल्फा हेलिक्स बनने को डी प्रमोट करती हैं, यानी कि नेगेटिवली काम करेंगी वो। तो ऐसी क्या कंडीशन है कि वो हेलिक्स बनने के लिए सूटेबल हैं, और ऐसे क्या इश्यूज हो सकते हैं जो हेलिक्स बनने में प्रॉब्लम देते हैं या हेलिक्स को अनस्टेबलाइज करते हैं। ये हेलिक्स को स्टेबलाइज करेंगे कि हेलिक्स बनेगी और हेलिक्स स्टेबल है, कि फीचर्स प्रमोट करने वाले हैं तो हेलिक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर हो गए, और इनको हम कंपैरिजन में क्या बोल सकते हैं, डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो हेलिक्स को फेवर करने वाले और हेलिक्स को डिसफेवर करने वाले फैक्टर्स कौन होते हैं ये हमें देखना है, ताकि हम जो क्वेश्चंस आते हैं ना उन पे बहुत अच्छे से काम कर सकें और हमें वहाँ कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो रहेगा कि आपको क्या देखना है, कैसे अप्लाई करना है, वो ओनली इसी चीज़ पे है, एन 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 प्लस फोर्थ बस। यानी कि ऐसा कोई भी पैरामीटर जिसने इसको फेवर किया तो वो हेलिक्स को फेवर करेगा, और ऐसा कोई पैरामीटर जिसने इसको डिसफेवर किया तो वो हेलिक्स को डिसफेवर करेगा। यानी कि जो भी आपको समझना है, जो भी आपको अप्लाई करना है ना, वो इसको मेजर में रखते हुए, इसको सेंटर में रखते हुए आपको देखना है कि ये क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें स्टेबलाइजिंग की तरफ आप जाएंगे तो एक तो पहला तो यही है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसका पैटर्न था एन एच और सी ओ के बीच में, एन और एन प्लस फोर्थ। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही ये स्टेबलाइज हो सकती है, और वो सारी चीज़ें जो इसको स्टेबलाइज करती हैं वो यहाँ पे अल्फा हेलिक्स को भी प्रमोट करेंगी। दूसरी साइड में अगर आप डिस्टेबलाइजिंग को देखें, ठीक है, डिस्टेबलाइजिंग को अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वन थिंग जो हम ले सकते हैं कि चार अमीनो एसिड, चार अमीनो एसिड, जैसे कि आपने कहा एस्पार्टिक एसिड, आपने कहा ग्लूटामिक एसिड, तो एस्पार्टिक एसिड के ऊपर भी -4 साइड चेन की बातें हैं। अभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये मैन चेन का पैरामीटर है, क्योंकि NH और CO मैन ग्रुप मैन चेन में होते हैं, ये मैन चेन रिलेटेड पॉइंट है, और चार अमीनो एसिड यानी कि साइड ग्रुप है, तो साइड चेन यानी कि आर चेन का मैटर है। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड हो, ग्लूटामिक एसिड हो, चार्ज वाले हों, ठीक है, ऐसे ही एस्पेरेजिन है, ग्लूटामाइन है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज वाले जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे नेगेटिव फीचर्स के रूप में काउंट करने होंगे। कैसे समझ सकते हैं बात को, कि हम ये चाह रहे हैं कि हम हेलिक्स बना रहे हैं, और एक हम चेन के रूप में होते हैं, तो हेलिक्स जब हम बनाते हैं तो अमीनो एसिड्स पास आ जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे, अमीनो एसिड्स के बीच में दूरी है वो कम हो जाती है, क्योंकि तभी तो एक कॉन्स्ट्रिक्ट बनेगा। अगर अमीनो एसिड के बीच में जो दूरी है वो ज़्यादा हो तो फिर तो ये लंबाई होगा ना, तो कॉन्स्ट्रिक्ट थोड़ी हुआ, तो अमीनो एसिड्स हम वो पास पास आ गए, यानी कि पहले जो अमीनो एसिड यहाँ पे थे वो हम इस पे देखेंगे तो दूर दूर थे, तो दूर दूर थे तब तो उनके बीच में ऐसे कोई इशू हम चार्ज वाले रिपल्सन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो हेलिक्स में अगर पास आएंगे, क्योंकि पास आए बिना हेलिक्स नहीं बन सकती, हेलिक्स में रोटेट होना पड़ता है एक्सिस को, तो अगर हेलिक्स बन रही है तो अमीनो एसिड पास आएंगे, उनके बीच में दूरी कम हो जाएगी ना, नियर बाई अप्रोच करेंगे। अगर वहाँ पे चार्ज वाली साइड चेन हुई तो साइड चेन की वजह से रिपल्सन कोज हो सकता है, ये दोनों चीज़ें रिपल्सन कोज करती हैं,
और रिपल्सन इसको डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि हम इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीक बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वीक प्रकार का इंट्रैक्शन होता है, एक बहुत ही कम एनर्जी वाली इंट्रैक्शन है, लेकिन अगर हम उसके सामने हम रिपल्सन की बातें करेंगे, चाहे तो प्लस प्लस रिपल्सन कर रहा हो चाहे माइनस माइनस रिपल्सन कर रहा हो, तो रिपल्सन की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कमज़ोर हो जाएगी, और कमज़ोर हो जाएगी तो हमारी जो अल्फा हेलिक्स है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि अगर ऐसे अमीनो एसिड हमने हेलिक्स बनाने में काम में लिए जिनके पास चार्ज है, यानी कि नॉर्मल पीएच के ऊपर जिनके पास चार्ज है, तो वो चार्ज वाले अमीनो एसिड रिपल्सन के लिए काम करेंगे, और रिपल्सन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वीक कर देता है, कि जब अमीनो एसिड दूर हटने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला जो फोर्स है वो कमज़ोर हो जाएगा, तो ये डी प्रमोट करेगा हेलिक्स बनने के लिए, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लाइसिन को भी ले सकते हैं इसके अंदर, लाइसिन भी एक पॉजिटिव चार्ज है, लाइसिन भी ले सकते हैं, आर्जिनिन भी ले सकते हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो लाइसिन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामाइन, ये सब क्या है, ये रिपल्सन कोच करने वाले हैं, तो साइड चेन में वो है जो रिपल्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे हम फर्दर और पॉइंट ले सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स, वन इज सेरीन, देखो जो सेरीन अमीनो एसिड है, सेरीन की साइड चेन में OH है, और ये जो साइड चेन का OH है ये एक एडिशनल साइट है, एडिशनल साइट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक तो केवल इतना सा ही होता है कि एन 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 प्लस फोर्थ, इसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं है, तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करेगा तो केवल बनता है अल्फा हेलिक्स। अगर इसके अलावा कोई और पैटर्न भी काम करने लग जाए, अगर एडिशनल साइट हो तो कोई और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होने लग जाएगी, तो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, एक मॉलिक्यूल या एक एटम एक से ज़्यादा जो कन्फर्मेशन है उसमें तो जाएगा नहीं, तो एक बार अगर उसने कोई एडिशनल साइट को यूज़ कर लिया और वहाँ पे कुछ एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला गया, तो डेफिनेटली जो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, तो एडिशनल साइट होना भी क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, कि साइड चेन में अगर सेरीन है, उसके पास OH है, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट्स हैं, तो वो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में वर्क करेंगी। ऐसे हम यहाँ पे कुछ साइज के पैरामीटर को भी ले सकते हैं, साइज पैरामीटर, साइज में एक तो बात आ सकती है स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज में देखिए सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है हमारे पास ग्लाइसिन, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड, दिस इज ग्लाइसिन, यानी कि ग्लाइसिन का जो साइड ग्रुप है R, उसकी जगह पे ओनली हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और बाकी सभी के अंदर मैथिल या मैथिल से बड़े ग्रुप है ना, अदर अमीनो एसिड्स के अंदर, क्योंकि एलानिन के अंदर मैथिल आएगा, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसमें उससे भी कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा, तो वहाँ पे मैथिल ग्रुप है साइड चेन में, तो मैथिल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम की साइज में बहुत अंतर है, कि स्टेरिक इश्यूज़ की बात की जाए कि त्रिविम के अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो मैथिल ग्रुप जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है हाइड्रोजन एटम तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, कि यहाँ पे तो तीन हाइड्रोजन और एक कार्बन है, तो स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई कर रखा है ग्लाइसिन ने। अब यही चीज़ हम हेलिक्स के लिए नेगेटिव पॉइंट के रूप में लेंगे, कि वो एक नेगेटिव पॉइंट है, आप में से कोई बता सकता है कि ये नेगेटिव पॉइंट क्यों है?
देखिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन है उसको हम हेलिक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्लाइसिन है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। ग्लाइसिन जो है उसका रोल यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और इसके पीछे हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं उसकी स्मॉल साइज को। ठीक है, देखिए आपने एक पैरामीटर पढ़ा था कि जब हम हेलिक्स बनाते हैं, हेलिक्स जब रोटेट करते हैं तो उसके वन टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, यानी कि 3.6 अमीनो एसिड ही एक टर्न के अंदर सेट हो पाते हैं स्टेरिकली। अगर वो एवरेज वैल्यू है, दिस इज़ फॉर एवरेज, बोलें को तो कोई भी अमीनो एसिड हो सकता है ना अल्फा हेलिक्स में, तो वो एक एवरेज वैल्यू है कि 3.6 अमीनो एसिड आ पाते हैं एक टर्न के अंदर। अगर हमने ऐसे अमीनो एसिड ले लिए जिनका साइड चेन न के बराबर है या जीरो के बराबर मान सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम है, कोई बड़ा ग्रुप तो है ही नहीं, तो वहाँ पे ये टर्न है ये और ज़्यादा शार्प हो जाएंगे। यानी कि एक तो ये होता है कि हम इतना बड़ा टर्न चाहते हैं, और एक क्या है कि वो टर्न और भी छोटा होने लग जाए। तो ये इश्यू कि आप किसी चीज़ को घुमाना चाहते हैं और वो और एब्रप्ट घूम गई, यानी कि उसमें घुमाव है वो और क्लोज आ गया, कब आ सकता है? जब उसमें साइड में कोई इशू ना हो, यानी कि साइड चेन का कोई इशू ना हो, तो मोर देन 3.6 अमीनो एसिड आ सकते हैं। तो ये जैसे कि एक तो हमारा बनता है हेलिक्स कुछ ऐसे, और एक उसमें ज़्यादा अमीनो एसिड आ जाएंगे तो वो बनेगा कुछ ऐसे, इनकी लंबा हो जाएगा, उसके लंबा होते उसके पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। लंबा होते ही, क्योंकि लंबा तभी हो पाएगा ना जब उसके पर टर्न अमीनो एसिड है वो ज़्यादा आने लग जाएंगे, सॉरी कम आने लग जाएंगे, और जल्दी जल्दी घूमने लग जाएगा। तो उसी लेंथ से आप नॉर्मल अल्फा हेलिक्स बनाएंगे तो उसकी लंबाई तो 1.5 के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और आने लग जाएगी। तो अगर साइड चेन में बहुत छोटा है तो जितना हम हेलिक्स के लिए घुमाना चाहते थे उससे ज़्यादा घूम सकता है, ये नेगेटिव पॉइंट है। समझ गए बात को? कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उसके अंदर जो हेलिकल कंफर्मेशन है वो एक्स्ट्रा हो सकता है उसका, कि साइड चेन में कोई स्टेरिक प्रॉब्लम देने वाला ही नहीं है, तो वो ज़्यादा शार्प घुमाव उसके अंदर आने लग जाएंगे, तो अल्फा हेलिक्स के जो पैरामीटर हैं वो गायब हो जाएंगे, यानी कि वो अल्फा हेलिक्स नहीं रहेगी। तो बॉन्डिंग का पैटर्न भी हो और पैरामीटर की 3.6 अमीनो एसिड आए दो अमीनो एसिड के बीच में 1.5 एंगस्ट्रॉम की ही दूरी हो, वो हेलिक्स के पैरामीटर होते हैं। अगर उनमें कुछ भी चेंज हुआ इसका मतलब डिज़ाइन हेलिक्स नहीं है। हेलिक्स डिज़ाइन तभी है जब उसके लिए वो पैरामीटर अप्लाई होते हो, अगर उस पैरामीटर्स में चेंज हो गया तो हम उसको हेलिक्स नहीं बोलेंगे। ऐसे आप इसमें दूसरा पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जिनके आर ग्रुप हैं वो बड़े हों, आर ग्रुप लार्ज हों, लार्ज यानी कि बल्कि हों, बड़े आकार के हों। तो अब यहाँ पे इश्यू भी आ जाएगा कि हम जितना घुमाना चाहते थे उतना भी नहीं घूमेगा, यानी कि जो हेलिक्स में घुमाव है वो नॉर्मल हेलिक्स के लिए जितना चाहिए उससे भी कम आ पाएगा, तो स्टेरिक प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टेरिक प्रॉब्लम। ग्लाइसिन के मामले में तो स्टेरिक परमिट आ गई थी कि जितना चाहो उतना घुमा लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ग्लाइसिन है तो उसकी साइड चेन कोई दिक्कत ही नहीं कर रही है, तो ज़्यादा घूम रहा था तो इसलिए हेलिक्स गायब हो रही थी। और यहाँ पे घूमना ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि साइड चेन में जो ग्रुप्स हैं वो बड़े हैं, तो बड़े हैं तो भी जितना हम घुमाना चाहते थे कि 3.6 अमीनो एसिड आ जाएं एक टर्न में वो नहीं आ पाएंगे, तो 3.6 से ज़्यादा आएंगे, टर्न बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसको आप दिखाएं तो यहाँ पे आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये ऐसे और बड़ा, तो हेलिक्स के पैरामीटर वो चेंज हो जाएंगे। बल्कि होने पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड ज़्यादा हो जाएगा पर टर्न, और ग्लाइसिन होने पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और बल्कि होने पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड इंक्रीज, नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न ये हो जाएगा इंक्रीज। कि आप एक बड़ा घुमाव चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा अमीनो एसिड लगेंगे,
और आप एक स्मॉल घुमाव चाहते हैं तो उसमें कम अमीनो एसिड लगेंगे। तो ज़्यादा छोटी साइज होना भी नेगेटिव पॉइंट है, ज़्यादा बड़ा आर ग्रुप होना भी नेगेटिव पॉइंट है, चार्ज होना भी नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइट होना ये भी नेगेटिव पॉइंट है। इसी प्रकार से हम इसमें दो पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हैं, वन इज प्रोलिन। देखो प्रोलिन की खास बात क्या होती है कि प्रोलिन के अंदर जो साइड चेन है ये साइड चेन अल्फा इमीनो कंडीशन में आ जाती है, साइड चेन अल्फा इमीनो कंडीशन में आ जाती है। और अल्फा इमीनो का मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि जो हमारी एन एच और जो सी ओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें चाहिए वो नहीं हो पाएगी। वन सेकेंड, जैसे कि अपन ठीक है, हमें एन एच और सी ओ को इस्तेमाल करना होता है ना, ये एन एच टू है हमारे पास और इसका जो कनेक्शन है वो साइड चेन से हो जाता है इस प्रकार से कि एक पायरिडोन रूप लूप बन जाता है ना। तो ये साइड चेन था इसका एक्चुअल में, और ये साइड चेन इसके साथ में वापस से जुड़ जाता है। तो ये एक साइड चेन इसके साथ में दोबारा से, यानी कि अमीनो ग्रुप के साथ में दोबारा से जुड़ गया। तो एक तो इसमें अमीनो ग्रुप है वो फ्री नहीं है, ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो स्ट्रक्चर बना जो हमने येलो कलर से दिखा है ये एक रिंग रिंग बन चुकी है, और ये रिंग रोटेट नहीं होती है, नॉट रोटेट। तो एक तो कुछ ऐसा हो कि साइड चेन में कुछ भी हो उसको आप इधर उधर कर सकते हैं, एक होता है कि ये स्ट्रक्चर तो ऐसा है कि ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा तो स्टेरिक प्रॉब्लम इससे बढ़ जाएंगे। जो स्टेरिक प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगे इसके साथ। तो एक तो नॉर्मल हम जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी तो अल्फा हेलिक्स नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एन एच और सी ओ के बीच में एन प्लस फोर्थ वाला अगर चलता रहा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्स अल्फा हेलिक्स को प्रमोट करती रहेगी, और अगर हमने ये कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है इसका मतलब अल्फा हेलिक्स ब्लॉक हो जाएगी, तो प्रोलिन जहाँ भी आएगा वो हेलिक्स को ब्रेक करता है, हेलिक्स ब्रेकर होता है, तो हेलिक्स ब्रेकर है तो हेलिक्स के बीच में नहीं आ सकता, जहाँ भी आ गया वहाँ से हेलिक्स टूट जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक ऐसा हेलिक्स हो, ऐसा तब बन सकता है जब इसमें बीच में कहीं भी प्रोलिन नहीं है, अगर इसमें बीच में प्रोलिन हुआ तो हेलिक्स ब्रेक हो जाएगा। तो हेलिक्स यहाँ से ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे डेफिनेटली कौन है, प्रोलिन है, तो हेलिक्स ब्रेकर के रूप में मिलेगा, या तो हेलिक्स ब्रेकर के रूप में मिलेगा, या वो किनारे जो हेलिक्स बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते यानी कि किनारे हैं वो, तो जो हेलिक्स के एंड्स होते हैं एंड्स ऑफ हेलिक्स वहाँ पे प्रोलिन मिल सकता है। तो
चेन के बीच में, सॉरी अल्फा हेलिक्स के बीच में प्रोलिन नहीं मिलेगा। अगर बीच में मिला तो उसने हेलिक्स को ब्रेक कर दिया और किंक, यानी कि ये डायरेक्शन इसकी ऐसी होती है और अब डायरेक्शन इधर घूम गई, तो दिस इज कॉल्ड किंक। तो हेलिक्स में किंक्स क्रिएट करता है, हेलिक्स में किंक्स क्रिएट करता है, हेलिक्स को बैंड कर देता है, इसको हेलिक्स बैंडिंग भी बोलते हैं। ये हेलिक्स को मोड़ देता है, हेलिक्स को बैंड कर देता है, हेलिक्स को ब्रैक कर देता है, केवल किनारों पे मिलेगा। ठीक है, तो प्रोलिन के काफ़ी बड़े इशू हैं, प्रोलिन को आपको बहुत सीरियसली सारे पॉइंट देखने हैं कि साइड चेन के अंदर जो अल्फा इमिनो कंडीशन थी और जो पायरोल रिंग बन जाती है ना, पायरोडीन रिंग, और उस रिंग की वजह से स्टेरिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है वो भी नहीं हो पा रही है, तो हेलिक्स में इश्यूज आएंगे और सारे इश्यूज नेगेटिव हैं कि हेलिक्स ब्रेक हो जाएगी, हेलिक्स में किंक्स आएंगे, हेलिक्स अगर बैंड हो जाती है। हाँ, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है सिस्टम, इनका फ़ायदा उठाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक कोई प्रोटीन है, आपने कोई प्रोटीन लिया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इस ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर एक अल्फा हेलिक्स को, जैसे कोई भी अल्फा हेलिक्स है, इस अल्फा हेलिक्स को यहाँ जा कर के वापस मुड़ना है। ठीक है, तो जहाँ पे अब्रप्टली उसको साइड चेंज करनी है, जहाँ जहाँ पे उसको साइड चेंज करनी है ना, उसको ना ओरिएंटेशन चेंज करना है। जैसे इसने यहाँ पे किया, इसने यहाँ पे किया है ना, ये पॉइंट्स जहाँ पे जाना अगर नहीं होता तो ये बाहर ऐसे जाता ना, ऐसे ऐसे ये इधर सामने जाती है ऐसे, तो इसको बैंड किया गया, हर बार इसको बैंड किया गया। और बैंड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोलिन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर कहीं पे किंक की ज़रूरत है, बैंड की ज़रूरत है, डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है, डायरेक्शन अब्रप्ट चेंज, अब्रप्ट चेंज इन डायरेक्शन, तो हमें प्रोलिन का रोल लेना पड़ेगा। तो हेलिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नेगेटिव है, लेकिन बायोलॉजिकली अच्छी बात है कि बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंस है इसका कि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर एक अल्फा हेलिक्स को आगे जाकर के या किनारे पे जाकर के सरफेस पे अपना ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है, उसमें बैंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो प्रोलिन से आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोलिन के कुछ पॉइंट्स को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोलिन कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स के लिए काउंट होगा। ऐसे ही प्रोलिन से हाइड्रोक्सी प्रोलिन बन सकता है कि चैन के अंदर प्रोलिन लगा हुआ हो और प्रोलिन से हाइड्रोक्सी प्रोलिन बन सकता है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, और प्रोलिन से हाइड्रोक्सिल प्रोलिन का बनना एक पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में आता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो प्रोलिन अगर हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो सेम वही इश्यूज आ जाएंगे जो हमने सेरिन के साथ में लिए। क्या लेंगे कि यहाँ पे एडिशनल OH आ गया, प्रोलिन में तो नहीं था लेकिन हाइड्रोक्सीलेशन होने से उसमें एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया, और एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा हेलिक्स के पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, अल्फा पैटर्न डिसफेवर हो जाएगा इससे। मींस हमें अगर कोई भी पॉइंट लेना हो, हमें उसके बारे में कुछ भी डिसाइड करना हो, तो हमें केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न पे जाना होगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पैटर्न को 4 से डिस्टर्ब कर रहा है तो भी हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। अगर साइज से उसमें एक्स्ट्रा रोटेशन आ रहा है या रोटेशन नहीं आ पा रहा है, साइज छोटी है या साइज बड़ी है, बल्की है, तो वो भी हमें काउंट करने पड़ेंगे नेगेटिव के लिए। प्रोलिन के लिए तो फिर वो कि ये जो साइट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो साइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कराता है, तो हमारा पैटर्न है वो आ ही नहीं पाएगा, तो हेलिक्स ब्रेक हो जाती है,
हेलिक्स घूम जाती है, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें। और हाइड्रोक्सिल जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट प्रोवाइड कराते हैं, जिससे हमारे जो हेलिक्स के पैरामीटर्स हैं वो नहीं आ पाते। ठीक है, आई थिंक आप इन चीज़ों को समझ पाए हैं। तो ये मैटर हमारा अल्फा हेलिक्स के रिगार्डिंग रह जाएगा कि अल्फा हेलिक्स में हमें इतनी सारी चीज़ों को कवर करना होता है हमें, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे कि हम उस पैटर्न के ऊपर जाएं, ताकि क्वेश्चंस बहुत इजीली और अच्छे तरीके से हम होल्ड कर सकें उन पर, ना। ठीक है, ओके ना। तो ये तो हमारे पास एक पैटर्न रहा अल्फा हेलिक्स का, ना। बिल्कुल शॉर्ट में इसको दोबारा आप ऐसे समझ सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स एक कन्फर्मेशन है और ये केवल एन 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 प्लस फोर्थ के बीच में जो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उस पर डिपेंड कर रहा है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बाकी सारा जो कुछ भी है वो हम इसके ऊपर बेस्ट ही सारा अप्लाई करते हैं, तो कोई इशू नहीं होता है ना। अल्फा हेलिक्स के लिए इतना ही था। और अल्फा हेलिक्स जब बनती है तो जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है या पूरा जो पेप्टाइड था वो हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो एक्सटेंडेड फॉर्म एक कॉन्स्ट्रिक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि साइज रिड्यूस हो जाती है। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे साइज बिगर था और यहाँ पे साइज स्मॉलर हो जाता है। तो एक कन्फर्मेशन है और इस कन्फर्मेशन के अंदर पेप्टाइड का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। पेप्टाइड पहले विदाउट हेलिक्स देखें तो ज़्यादा लंबी होती है और हेलिक्स बनने पे पेप्टाइड का साइज है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो रोटेट हो रही है, एक्सिस के चारों तरफ वो घूम रही है, हेलिक्स बना रही है। तो ये भी एक रेगुलर पैटर्न है कि अगर एन प्लस फोर्थ का बॉन्डिंग पैटर्न रहा तो ऐसा एक हिस्सा आपको अल्फा हेलिक्स के रूप में मिलेगा। तो अल्फा हेलिक्स इज ए रेगुलर पैटर्न कि हमें लगातार कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे चाहिएंगे जिनके बीच में ये बॉन्डिंग पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा हो तो हमें अल्फा हेलिक्स मिल जाएगी ना। एक तो ये पहला हमारा पॉइंट हो गया था, ओके। इसके बाद में हम एक दूसरा कन्फर्मेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज बीटा सीट्स, दैट इज बीटा सीट्स, और इनको कई बार हम बीटा प्लीटेड सीट्स भी बोलते हैं, या इनको हम बीटा प्लीटेड सीड्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लीटेड सीट कुछ ऐसा है कि जैसे जैसे हम टिन सेड बनाते हैं ना, तो लोहे की चादर लाते हैं, टिन की चादर लाते हैं, और उनका एक डिज़ाइन है। ऐसा तो बिल्कुल इसी प्रकार का पैटर्न है। अल्फा हेलिक्स एक अलग प्रकार का पैटर्न था और ये बीटा सीट का पैटर्न है, बीटा सीट्स और ये अल्फा हेलिक्स, दोनों ही कन्फर्मेशन है। ये भी एक सेकेंडरी कन्फर्मेशन है और अल्फा हेलिक्स भी एक सेकेंडरी कन्फर्मेशन का लेवल होता है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स के लिए बॉन्डिंग पैटर्न जिम्मेदार होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है, और बीटा सीट के लिए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिम्मेदार है, यानी कि दोनों ही कन्फर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ट है। ये विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीटा सीट भी नहीं बनते हैं, विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्फा हेलिक्स भी नहीं बनती है, लेकिन बीटा सीट के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पैटर्न हमें कुछ अलग प्रकार से देखना है कि कौन सा पैटर्न होना चाहिए,
कि बीटा सीट बनने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न के लिए हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है और वो चीज़ें अल्फा हेलिक्स से किस प्रकार से अलग है। अगर अल्फा हेलिक्स वाले पैटर्न हुए तब तो अल्फा हेलिक्स बनेगी ना, तो बीटा सीट के लिए पैटर्न कुछ अलग होने चाहिए। पहला बड़ा पॉइंट आएगा कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग पैटर्न होता है दैट इज इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर भी बोल सकते हो या आप इसे इंटरचैन भी बोल सकते हैं, इंटरचैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरचैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ऐसे है कि हमारे पास एक चैन है, अमीनो एसिड चैन है, ये इसका एन टर्मिनस है और ये इसका सी टर्मिनस है, और ऐसे ही दूसरी चैन और है हमारे पास और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। हाँ, बॉन्डिंग के लिए बिल्कुल वही रहेगा NH एंड CO, NH एंड CO, लेकिन ये NH चैन वन का है और ये CO चैन टू का है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे CO भी हो सकता है, लेकिन अगर CO लेंगे तो यहाँ पे NH होगा। तो पहली चैन के NH का दूसरी चैन के CO के साथ में, या पहली चैन के CO का दूसरी चैन के NH के सामने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना, इसकी वजह से ये दोनों चैन आपस में जुड़ जाती है, ये चैन आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसी कई सारी चैन आपस में जुड़ सकती हैं। तो दिस इज ए प्लीटेड कंडीशन, इसको हम बोलते हैं प्लीटेड। जैसे कि मेटल की चादरें होती हैं, उनको हम प्लीट करके उनकी पतली पतली चादर बना देते हैं, उनको हम वन बाय वन पैरेलल अरेंज कर सकते हैं ना, तो दिस इज प्लीटेड कंडीशन। प्लीटेड कंडीशन लाइक मेटल सीट्स, ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये कोई कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म नहीं है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो दूरी होती है, अमीनो एसिड वन एंड अमीनो एसिड टू के बीच में जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो अल्फा हेलिक्स में 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है और बीटा सीट के अंदर 3.5 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देख सकते हैं कि ये कितना उससे फैला हुआ ना, वो कितना संकरा था कॉन्स्ट्रिक्ट और ये कितना एक्सटेंडेड है 3.5, कि दो अमीनो एसिड के बीच में दूरी यहाँ पे 3.5 एंगस्ट्रॉम है। तो बीटा फॉर्म भी एक प्रकार का सेकेंडरी कन्फर्मेशन है, लेकिन वहाँ पे चैन्स पैरेलल अरेंज हो जाती हैं, पैरेलल अरेंज चैन्स हैं। ये पैरेलल भी हो सकती हैं और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। पैरेलल का मतलब कि अगर N टू C, ये N टर्मिनस और C टर्मिनस, और दूसरी चैन का डायरेक्शन भी यही हो N टू C, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है, दिस इज पैरेलल। इसे पैरेलल बीटा सीट, और फिर दूसरा हमारा एंटी पैरेलल कंडीशन हो सकती है कि ये हमारा पहला स्ट्रैंड है ये एन टू सी हो गया और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो डायरेक्शन उसका चेंज है, एन टू सी ही है लेकिन उसका डायरेक्शन ये है, तो दिस इज एंटी पैरेलल बीटा सीट, दिस इज एंटी पैरेलल बीटा सीट।
सीट्स हमें पैरेलल एंड एंटी पैरेलल दो प्रकार के कंफर्मेशन में मिल सकती है। पैरेलल में हमें ध्यान रखना है कि ओरिएंटेशन एन टू सी होगा, और एंटी पैरेलल के अंदर ये एंटी डायरेक्शन हो जाती है। जब हम पैरेलल की बात करें, और अगर ये चैन दो हो, यानी कि ये हमारी पेप्टाइड वन हो और ये पेप्टाइड टू हो, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सेम पेप्टाइड से ऐसा बनना हो, कि एक ही पेप्टाइड से ऐसा कंफर्मेशन बनना हो, कि सेम पेप्टाइड ऐसा कंफर्मेशन बनानी चाहती है, कि एक पेप्टाइड यहाँ भी ऐसे ही चाहती है, फिर अगली बार भी वो ऐसा ही चाहती है सेम पेप्टाइड, तो इसी पेप्टाइड को घूम करके यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी साइड में हम देख सकते हैं कि अगर सेम कंडीशन यहाँ एंटी पैरेलल के लिए हो, तो एंटी पैरेलल में तो ये स्ट्रैंड गया और ये स्ट्रैंड वापस रिवर्ट हो जाएगा, तो यहाँ इसको केवल घूमना पड़ेगा। तो जब हमारे पास मैटर पैरेलल और एंटी पैरेलल का हो, और पैरेलल एंटी पैरेलल सीट को बनाने वाले जो स्ट्रैंड्स हैं, अगर वो एक ही पेप्टाइड के हों, तो देखिए पैरेलल में तो एक स्ट्रैंड आपको ऐसे घुमा के लाना पड़ेगा, और एंटी पैरेलल के अंदर एक छोटा सा घुमाव हमें नीडेड होगा। तो ये छोटा जो घुमाव है, इसको तो हम बोलते हैं लूप, सॉरी टर्न, दिस इज कॉल्ड टर्न। और इसे बोलते हैं हम लूप। तो जो पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे या पैरेलल बीटा सीट्स होंगे, उनमें लूप्स प्रेजेंट होंगे। लूप्स साइज में बड़े होते हैं, साइज इनकी बड़ी होती है, और टर्न्स हैं वो साइज में छोटे होते हैं। साइज में छोटे होते हैं, नॉर्मली 4 अमीनो एसिड्स से बने होते हैं, लगभग 4 अमीनो एसिड्स के होते हैं, यानी कि एक अमीनो एसिड यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और 2 अमीनो एसिड और होते हैं। तो ओनली 4 अमीनो एसिड होते हैं टर्न के अंदर। हालांकि आगे हम टर्न्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे टर्न्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी, टर्न्स के कुछ पैरामीटर्स आएंगे, वो भी हमें देखने होंगे। लेकिन अभी हम बीटा सीट के अकॉर्डिंग देखें, तो बीटा सीट में हमें चैन्स को अरेंज करना है, और चैन्स को अगर ओरिएंटेशन उनका हमने डायरेक्शन वो का वो रखा पैरेलल, तो वो पैरेलल कंडीशन है। अगर हम उसको एंटी कर दिया, तो वो एंटी पैरेलल है। अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल को हम सेम पेप्टाइड से बनाना चाहें, फ्रॉम सेम पेप्टाइड, अगर हम पेप्टाइड एक ही चाहते हैं, सिंगल पेप्टाइड को ही हम ऐसे सीट्स में अरेंज करना चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कुछ भाग घुमाव के लिए ज़रूरी है, तो टर्न एंड लूप्स की फॉर्मेशन होगी, टर्न एंड लूप्स का इश्यू आएगा। तो टर्न्स एंड लूप्स क्या हैं, टर्न्स एंड लूप्स क्या हैं, और फिर यहाँ पे आप फर्दर एक पॉइंट और ऐड कीजिए कि हमने जो स्टार्टिंग में बात की थी कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, दे आर एल अमीनो एसिड्स, दे आर एल अमीनो एसिड्स। और जब हम एल अमीनो एसिड्स से पेप्टाइड्स या चैन्स बनाते हैं, तो उनमें जो घुमाव की जो टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, कि जब एल वाले के साथ में एल वाला, फिर अगला भी एल वाला, ऐसे हर बार एल अमीनो एसिड एक सिक्वेंस में हो और वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े, तो वहाँ पे एक हल्का सा घुमाव क्रिएट होता है, या हल्का सा एक घुमाव की टेंडेंसी होती है, और ये घुमाव होता है राइट हैंडेड। और ये राइट हैंडेड जो हमारा रोटेशन है, जो टर्न है, वो हमें लूप्स में भी देखने को मिलता है, कि ये भी एक राइट हैंडेड लूप होता है। दिस इज ए राइट हैंडेड लूप, इसमें भी एक दाहिनी तरफ का घुमाव होता है, टर्न भी राइट हैंडेड टर्न्स होते हैं। तो राइट हैंडेड हेलिक्स, राइट हैंडेड लूप, राइट हैंडेड टर्न, कारण क्या है कि अमीनो एसिड एल कंफर्मेशन वाले, तो जिनकी स्टीरियो स्पेसिसिटी है,
उसकी वजह से हमें लूप, स्ट्रन, हेलिक्स जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मिलते हैं दे ऑल आर राइट हैंडेड। तो उनमें घुमाव की जो भी प्रवृत्ति होगी, वो घुमाव का जो रोटेशन की जो टेंडेंसी है, वो हमेशा कैसे मिलनी है, राइट हैंडेड मिलनी है। ठीक है, तो बीटा सीट के लिए हमने कुछ बातें यहाँ पे देखी हैं कि इंटरमोलिकुलर और इंटर चैन है ना। अब आप समझ सकते हैं कि ये दो डिफरेंट चैन थी, तो हमने इनको इंटर चैन बोल दिया। और ये दो अलग अलग पेप्टाइड हों तो इंटरमोलिकुलर बोल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बनता है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू चैन्स होती है, बिटवीन टू चैन्स। और ये दोनों चैन पैरेलल एंटी पैरेलल इस प्रकार से हो सकती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो दोनों चैन्स के बीच में डिस्टेंस नहीं होती, पैरेलल होती है। जैसे एक पहली चैन हो और एक दूसरी चैन हो, इनके बीच में बहुत ही कम जगह है। और ऐसी बहुत सारी चैन्स हैं वो प्लीटेड कंडीशन में होती हैं, दैर इन प्लीटेड कंडीशन। और उनकी जो साइड चेन है वो इसी में होते हैं, कि इनके जो साइड चेन वाले ग्रुप्स हैं वो इसी में लगे होंगे, राइट। तो यहाँ पे एक और इश्यू आ जाएगा कि जो आर ग्रुप्स होने चाहिए वो बहुत छोटे होने चाहिए, आर ग्रुप्स स्मॉल साइज के। अगर बीटा सीट बनानी है तो हमें आर ग्रुप में वो चाहिए जो बहुत छोटा हो, ताकि वो चैन्स के बीच में आराम से अकोमोडेट हो जाए। तो सबसे छोटी साइड चेन वाले यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, यानी कि ग्लाइसिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है, ग्लाइसिन मोस्ट फेवर्ड, ग्लाइसिन एलानिन जिनकी साइड चेन छोटी है, ये फेवर्ड किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बल्की हो, साइज बड़ी हो, बिग साइज, साइज का मतलब आर ग्रुप की साइज, पेप्टाइड बॉन्ड की कोई साइज नहीं है, वो सब में सेम होता है, केवल आर ग्रुप की बातें हो रही है कि आर ग्रुप का स्मॉल साइज यहाँ पे फेवर किया जाएगा, बिग साइज डिसफेवर किया जाएगा। ठीक है, चार्ज यहाँ पे, चार्ज की जो प्रॉपर्टी है वो डिसफेवर होंगे। क्योंकि चार्ज से रिपल्सन कोज होता है, रिपल्सन से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो प्लीटेड कंडीशन नहीं आ पाती। तो बहुत सारी चैन एक साथ प्लीटेड में आए, उसके लिए जरूरी है कि उनके बीच में डिस्टेंस कम हो। तो यहाँ पे कोई एग्जैक्ट अमीनो एसिड्स का बॉन्डिंग पैटर्न नहीं है, यहाँ पे केवल एक चैन के एनएच का दूसरे के सीओ से, या एक के सीओ का दूसरे के एनएच से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये इंटर चैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज इंटर चैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इश्यू आ जाता है कि साइड चेन में जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, साइड चेन बहुत छोटी छोटी होनी चाहिए, तो ये ग्लाइसिन के खाते में चला जाएगा। कि ग्लाइसिन अल्फा हेलिक्स के लिए तो एक डिसफेवरिंग पार्ट था, लेकिन बीटा सीट के लिए मोस्ट फेवरिंग पार्ट के रूप में काउंट हो जाएगा, कि यहाँ पे हम इसको एक फेवरेबल पार्ट के रूप में लेंगे ना। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर हम बीटा सीट के लिए ले सकते हैं। देखिए दोबारा से आप इनको देख सकते हैं कि प्लीटेड कंडीशन हमें लानी होती है, और प्लीटेड कंडीशन के साथ साथ में हमें चैन्स को जोड़ना भी होता है। और चैन्स को जोड़ने के लिए हम एक चैन के एनएच या सीओ का दूसरी चैन के सीओ या एनएच के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते हैं। तो इंटर चैन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ओरिएंटेशन जो चैन्स का है वो पैरेलल एंटी पैरेलल ऐसा हो सकता है, और उसके आधार पे फिर लूप्स, ट्रंस, इनकी नेसेसिटी आ जाएगी। और ये एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो दूरी है वो 3.5 एंगस्ट्रॉन होती है। तो बीटा प्लेटेड सीट की बात करनी हो तो हमें 3.5 एंगस्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेगी, राइट। और फिर यहाँ पे फेवरिंग डिसफेवरिंग की बात की जाए तो प्लीटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आपको चैन्स बहुत पास पास लगानी है, और इसलिए उनके बीच में साइड चैन में इतना छोटा होना चाहिए कि वो कोई इशू ना दे। इसका मतलब हमें बहुत छोटे अमीनो एसिड यहाँ पे फेवरेबल मिलेंगे। तो ग्लाइसिन सबसे छोटा है, सबसे ज़्यादा फेवर होगा, एलनिन यहाँ पे फेवर होगा, बड़े साइज वाले यहाँ पे डिसफेवर होंगे, चार्ज वाले रिपल्सन कोज करते हैं इसलिए वो भी डिसफेवर होंगे। ठीक
समझ सकते हैं, क्लियर? सर चार्ज वाले हेलिक्स और सीट दोनों को ही डिसफेवर करेंगे। हाँ, डिस्प्योर करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि अगर कहीं से कुछ भी होने लगा तो जो होना चाहिए वो नहीं होगा ना। अगर चार्ज वाले अपनी चलाने लग जाएं कि मैं इसके पास में नहीं रह सकता या मुझे इससे दूर जाना है, तो फिर जो हम बॉन्डिंग चाहते हैं वो बॉन्डिंग नहीं होगी, और बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर हमारा कन्फर्मेशन नहीं हो सकता ना, क्योंकि डिज़ाइन बॉन्डिंग पे बेस्ट है। तो जिसने भी लेकिन जो बॉन्डिंग, सीट है हाँ ना, सीट जिनमें अपन ने टर्न्स और लूप दिए हैं, तो हाँ इनको वो वाले हमारे वहाँ सीट भी फेवर करेंगे जो टर्न्स और लूप को है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं कि टर्न टर्न जब आपको कराना होगा तो टर्न का मतलब हमें इस चैन को यहाँ पे घुमाना है, तो टर्न के अंदर प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम फेवर हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रॉब्लम को ला सकते हैं, प्रॉब्लम इसको फेवर करेगा। यानी कि आपको कैसा कन्फर्मेशन चाहिए और उसमें किस प्रकार का बैकबोन, उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और कोई बात आपके दिमाग में आ रही हो? क्योंकि देखो ये चीज़ें आपको एक बार समझनी होती है, फिर इसको अप्लाई करना होता है बस, कि आपने इसको रफली ऐसा पूरा समझ चुकी है कि हाँ ऐसा कुछ मैटर है या ऐसी कुछ बातें हमें देखनी है, सोचनी है, तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से करने लग जाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एक छोटे से एग्जाम्पल से कुछ और समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर मान लीजिए कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, उस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसका कन्फर्मेशन है बीटा सीट, कि ये बीटा सीट कन्फर्मेशन में है कि मेम्ब्रेन के अंदर लगी हुई है, लेकिन इसका डिजाइन या कन्फर्मेशन कैसा है, बीटा सीट वाला है, ठीक है। और नॉर्मली जो प्रोटीन जो कि इस प्रकार से हम ले रहे हैं बीटा सीट बनाते हैं, वो पोरिन प्रोटीन्स होती है, पोरिन्स पोरिन्स जिनको हम पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स बोलते हैं। पोर फॉर्मिंग प्रोटीन तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन पोर बनाना चाहती है, तो बीटा सीट के रूप में उसका एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा, यानी कि तीन पोरिन यूनिट्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, या करके इंसर्ट होती है, और उनके इंसर्ट होने से बीच में एक होल बन जाएगा और बाकी ये मेम्ब्रेन के साथ में अटैच है। तो अब इन्होंने एक पोर बना दिया, दिस इज पोर, तो इनको हम बोलेंगे पोरिन प्रोटीन। तो पोरिन प्रोटीन नॉर्मली ट्राइमर होती है, ट्राइमर प्रोटीन होती है, इसमें तीन मोनोमर एक साथ जुड़ते हैं,
मोनोमर 1, मोनोमर 2 एंड मोनोमर 3, ठीक है, थ्री थ्री मोनोमर जुड़ कर के एक ट्राइमर के डिज़ाइन में बनेंगे और वो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन को स्पान कर देते हैं, यानी कि ऐसा एक, ऐसा दो और तीन, 1 2 3, तीन ऐसे मोनोमर होंगे जो यहाँ पे लगेंगे, बीच में एक होल रह जाएगा, सेंटर में एक होल रह जाएगा और उसके चारों तरफ ही तीन मोनोमर लग जाएंगे, तो एक पोर फॉर्मिंग प्रोटीन के रूप में ये बिहेव करते हैं, ओके। और जब ये मेम्ब्रेन में इंसर्ट होते हैं तो मेम्ब्रेन में इंसर्ट होने वाला भाग इनका बीटा कन्फर्मेशन में है, बीटा कन्फर्मेशन में है, और मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है उस थिकनेस को हम बिल्कुल वही 30 एंगस्ट्रॉन मान लेते हैं, तो 30 एंगस्ट्रॉन थिकनेस है मेम्ब्रेन की, जो मोटाई कितनी है 30 एंगस्ट्रॉन, और उसमें कोई प्रोटीन जो कि बीटा कन्फर्मेशन के अंदर लगी हुई है, तो ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट की लंबाई, ट्रांस मेम्ब्रेन जो सेगमेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, उसमें कितने अमीनो एसिड्स होंगे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, तो यहाँ से यहाँ तक कोई प्रोटीन अगर बीटा के रूप में अपने आप को एडजस्ट करा रही है तो बीटा के लिए आपको देखना है कि 3.5 एंगस्ट्रॉन होंगे, दो के बीच में 3.5 एंगस्ट्रॉन होंगे, आप 30 एंगस्ट्रॉन की थिकनेस है और दो अमीनो एसिड के बीच में आप 3.5 एंगस्ट्रॉन का डिस्टेंस चाह रहे हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 3.5 एंगस्ट्रॉन, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी अराउंड 10 से कम ही होगा ना, ये 8.57 अमीनो एसिड्स। और अगर हम इसी मेम्ब्रेन को अल्फा हेलिक्स से स्पान कराना चाहते थे तो हमारे पास ये आ रहा था कि 30 एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 1.5 एंगस्ट्रॉन, तो 20 अमीनो एसिड्स आ रहे थे, तो कितना बड़ा अंतर आ जाता है कि अगर उसी उसी मोटाई को बीटा सीट से स्पान करना हो तो ओनली 8 से 9 अमीनो एसिड लग रहे हैं, और उसी थिकनेस को अगर अल्फा हेलिक्स से स्पान करना हो तो 20 अमीनो एसिड्स लग रहे हैं, राइट right, समझ सकते हैं यहाँ पे 1.5 एंड 3.5, हाँ यहाँ तक के पॉइंट के रिगार्डिंग और कोई भी इश्यू आपके दिमाग में आ रहा हो, देखो यहाँ पे फिर आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि एक सीट के अंदर कितने अमीनो एसिड, कितनी प्लीटेड सीट्स हैं या उसमें कितने स्ट्रैंड्स हैं वो बताने पड़ेंगे, तब जा कर के हम कुछ बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो मोनोमर है ना इसका ट्राइमर के अंदर एक जो मोनोमर है, उस मोनोमर को आप समझेंगे तो वो कुछ ऐसा है, तो वो प्लीटेड कंडीशन है, वो तो उसमें कितनी सीट्स प्रेजेंट हैं फिर उससे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड सारा बता सकते हैं, हाँ थिकनेस जरूर बता सकते हैं कि इनकी जो डिस्टेंस है इन्होंने कितनी ट्रैवल की, ये हम बता सकते हैं कि हमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड हो तो हम 3.5 से मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं, या थिकनेस में कितने अमीनो एसिड आएंगे तो हम 3.5 से डिवाइड करके बता सकते हैं, और फिर टोटल अमीनो एसिड कितने हैं उसके लिए तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसमें स्ट्रैंड्स कितने हैं, और फिर अगर ट्राइमर है तो उस नंबर को हम 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो तो एक मोनोमर में आएंगे, तो मोस्टली आपको जो वर्क करना होता है वो मेम्ब्रेन की थिकनेस और उसमें आने वाले अमीनो एसिड्स जो उसको स्पान कर सकें उसके रूप में लेना होता है, तो वो हम जनरली कर पाएंगे। आई थिंक क्लियर है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट दोनों कन्फर्मेशंस, हाँ सर,
ठीक है, चलिए ये दो बातें हमारी हुई। तो ये दो बेसिक कन्फर्मेशन है, हालांकि इसके बाद में हमें और भी कई सारी चीज़ लेनी है, उनको भी लेंगे। और इसके बाद में क्या होता है, जैसे हम हेलिक्स के और कोई पैरामीटर लें या और कोई पॉइंट्स पे जाएंगे, तो फिर कुछ एडिशनल पॉइंट और साथ में आएंगे, जिसमें एक बड़ी चीज़ आती है, दैट इज़ फाई एंड साई एंगल्स। फाई एंड साई एंगल्स कि कौन से हेलिक्स के लिए कौन से फाई साई एंगल परमिशेबल होते हैं, या किस प्रकार के फाई साई ऑब्जर्वेबल होते हैं, तो वो चीज़ हमें साथ में लेनी पड़ती है। और अभी हमने फाई साई एंगल्स के बारे में केवल बात की थी कि जब हम बात करते हैं एमाइड प्लेन की, तो एमाइड प्लेन के अंदर जो कार्बन कार्बन जो रोटेशन था, इसके लिए हमने साई एंगल यूज़ किया था, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो हम रोटेशन करा सकते हैं, उसके लिए हमने फाई यूज़ किया था। मीन्स जब हम पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे होते हैं, तो हमने जो कंडीशन इस प्रकार से समझी थी, जैसे सी अल्फा सी एच, एंड यहाँ पे हम साइड चेन ले लेते हैं आर ग्रुप, और फिर हमारे पास ये सी ओ, देन एन एच, देन सी अल्फा, देन एच एंड आर। ठीक है, नॉर्मल इनको रिवर्स कर लेते हैं ताकि ये स्टेरिक इश्यूज भी आप इसमें समझ सकते हैं कि स्टेरिक इश्यूज नहीं आएंगे। देन सी ओ ओ माइनस, है ना। तो ये एक पेप्टाइड प्लेन बन गया था, रिजिड प्लेन, जिसको हमने रिजिड प्लेन बोला था, पेप्टाइड प्लेन या रिजिड प्लेन, कि ये रोटेट नहीं होता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। पेप्टाइड और रिजिड प्लेन, इसको हम एमाइड प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको हम रिजिड प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये रिजिड है तो ये स्टेरिक एक्सक्लूजन में रहेगा कि इसको हम रोटेट नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई भी बॉन्ड है उसको नहीं घुमा सकते। केवल ये था कि हम ये सी अल्फा एंड एमाइड प्लेन का कार्बन, इस बॉन्ड को हम घुमा सकते हैं, इस बॉन्ड को हम घुमा सकते हैं, तो इसके लिए हमने यूज़ किया है साई एंगल। इसको कितना घुमा सकते हैं, इस बॉन्ड को हम कितना घुमा सकते हैं, वो साई की वैल्यूज़ हैं। ये साई की वैल्यूज़ -80 डिग्री से +80 डिग्री तक, +180 डिग्री। -180 डिग्री का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, और +180 का मतलब है क्लॉकवाइज, कि एंटी क्लॉकवाइज 0 से 180 तक चले गए माइनस में, या क्लॉकवाइज हम 0 से 180 प्लस में चले गए। तो ये रोटेशनल परमिशन है कि हम हमारे मॉलिक्यूल को यहाँ से घुमा सकते हैं, कि ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसको हम यहाँ से घुमा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो हमने येलो कलर से रख दिया, ये घुमाया नहीं जा सकता, इसको हम रोटेट नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक और है, दिस इज अगला सी अल्फा और एमाइड प्लेन का नाइट्रोजन, इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड को भी हम घुमा सकते हैं। इसके लिए जो एंगल है, दिस इज फाई एंगल, इसकी परमिशेबल भी उतनी है, -180 डिग्री से +180 डिग्री, तो इसको भी हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, इसका रोटेशन है वो भी हम कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक धागा है, और आपने इस धागे में जगह जगह पे कांच के टुकड़े चिपका दिए, तो चौकोर कांच के टुकड़े हैं और आपने उनको चिपका दिया। तो नीचे भी एक कांच का टुकड़ा है, ऊपर भी आपने कांच का टुकड़ा चिपका दिया, तो ये मिरर है, ग्लास है, ये हिल नहीं सकता। धागा हिल सकता है लेकिन ये नहीं हिल सकता,
अब आप इसको कैसे भी मोड़ना चाहते हैं, कैसे भी कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से घुमा सकते हो, इसको घुमा सकते हो, किधर भी घुमा सकते हो, घूम जाएगा ना, ऐसे इसको घुमा सकते हो आप, लेकिन जो अंदर चला गया वो नहीं घूमेगा, ये नहीं घूम सकता। तो जो नहीं घूम सकता वो जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक परमिशन नहीं है, नो स्टेरिक परमिशन, ये स्टेरिक एक्सक्लूजन में आएगा, स्टेरिक एक्सक्लूजन, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, हम इसको घुमा नहीं सकते, हम केवल यहाँ से घुमा सकते हैं। तो एक एंगल को आपने ये बोल दिया, दूसरे को आपने ये बोल दिया, तो हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि हमारे पास एक पूरा बैकबोन है और फिर बैकबोन के साइड चेन में भी कुछ लगा है ना, जो सी अल्फा है उनके साइड चेन में कुछ लगा है ना, यहाँ पे अगला सी अल्फा, उसके साइड चेन में आर ग्रुप्स आ जाएंगे, तो वो भी साथ में है। तो एक तो रिजिड प्लेन नहीं घूमेगा, ये तो इश्यू है ही है, साइड चेन में जो आएगा वो भी नहीं घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे साइड चेन भी आने लग जाएंगे, आर ग्रुप्स है ना, साइड चेन आएंगे, आर ग्रुप्स आएंगे, तो वहाँ पे छोटा है बड़ा है ग्लाइसिना तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पे कोई बहुत बड़ा आ गया जैसे थ्रोनिन वगैरह आ गया तो इश्यूज आएंगे। तो ये जो सारा हमारा मैटर होगा, या हम फाइव साई एंगल की परमिशंस हैं, कि घुमाव की परमिशंस हैं, परमिशंस ऑफ रोटेशन है, परमिशंस ऑफ रोटेशन इन बैकबोन, ये जो पेप्टाइड की बैकबोन है उस बैकबोन में हम कितना घुमा सकते हैं, कौन से घुमाव की परमिशन है, और वो घुमाव दो जगह पे है, एक ये वाला एंगल, दिस वन, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, लेकिन जो एमाइड प्लेन में है दैट इज पार्शियली डबल बॉन्ड, दिस इज पार्शियली डबल बॉन्ड, 40% इसमें डबल बॉन्ड के करेक्टर हैं, तो इसलिए वो रोटेट नहीं होता, रोटेट नहीं होता, वो ट्रांस प्लेन है, एक ट्रांस प्लेन है, रिजिड प्लेन है, डबल बॉन्ड के करेक्टर है, रोटेट नहीं होता। रोटेट हम उसको आगे पीछे से कर सकते हैं, वन इज सी सी साई बॉन्ड एंड सी एन फाई बॉन्ड। तो ये बेसिक बात थी कि हम फाई साई को समझें या फाई साई की परमिशन को समझें, तो हमें पता होना चाहिए कि हम परमिशन किसे बोल रहे हैं, यानी कि हम रोटेशन कहाँ कराना चाहते हैं। जैसे साई बोला जाए तो आपको ध्यान हो कि ये सी सी बॉन्ड को रोटेट कराने की बात हो रही है, अगर ऐसे ही हम सी एन की बात करें तो ये फाई के लिए बातें हो रही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हैं। जी सर, ठीक है, अब देखिए एक काफी बड़ा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हमें समझना है। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक पेप्टाइड है और इस पेप्टाइड के अंदर सेवरल अमीनो एसिड्स हैं, सेवरल अमीनो एसिड यानी कि एन अमीनो एसिड्स हैं, ओके, और जो अमीनो एसिड्स हैं वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स मीन्स वो वेरी करेंगे, वेरी इन आर ग्रुप, उनकी साइड चेन में अलग अलग है, बाकी तो कोई अंतर होता ही नहीं अमीनो एसिड में, केवल साइड चेन का ही अंतर होता है। तो किसी भी पेप्टाइड में बहुत सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं, ठीक है, और उनके साइड चेन में अमीनो एसिड के अकॉर्डिंग होगा साइड चेन, तो सबकी साइड चेन एक जैसी नहीं होती है ना, डिफरेंट अमीनो एसिड्स, और वो डिफरेंट केवल अपनी साइड चेन के कारण से होते हैं, बाकी उनमें सब कुछ सेम ही होता है, ओके, क्योंकि बाकी तो यही था, H3N+ एंड दिस इज CH और R का अंतर था, बाकी तो यही होता है सारों का सारा, तो ये सब कॉमन है, अंतर तो केवल इस चीज़ का था, R ग्रुप का। तो अमीनो एसिड्स केवल R ग्रुप को लेकर के वेरी करते हैं, ठीक है, और सबके आर ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, वो हमने अमीनो एसिड्स के लिए देखा था कि कौन सी साइड चेन में क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो वो सारे पॉइंट्स साइड चेन के इश्यूज होते हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी भी पेप्टाइड का कोई कन्फर्मेशन चाहते हैं,
जैसे आपने कहा कि अल्फा हेलिक्स बनेगी या नहीं बनेगी, यस और नो, कि अल्फा हेलिक्स बनेगी या नहीं बनेगी, बीटा सीट बनेगा या नहीं बनेगा, यस और नो, ठीक है। तो इनके आंसर हम कहाँ से दें कि अल्फा हेलिक्स बनेगी या नहीं बनेगी, कैसे बताएं, बीटा सीट बनेगी या नहीं बनेगी, कैसे बताएं? थ्रू कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे अल्फा हेलिक्स है, अगर ये बनेगी, हम कहना चाहते हैं कि ये बनेगी, इसका मतलब इसके बनने के लिए जो एंगल्स होने चाहिए या जो सिचुएशंस होनी चाहिए वो अगर है तो बन जाएगी, अगर उन सिचुएशंस में कोई इश्यू आ रहा है या वो सिचुएशन मेंटेन नहीं हो रही तो नहीं बनेगी, ऐसा कुछ इश्यू है ना, कि हम अल्फा हेलिक्स या बीटा सीट कुछ भी बनाएं, जैसे हमने कहा कि हम हेलिक्स बनाएंगे तो उसमें इस प्रकार का डिज़ाइन बनना चाहिए, और ऐसा घुमाव, ये क्या क्या है, रोटेशन है, राइट। अब आप वही कह रहे हैं कि आपके पास एक धागा था, उसके ऊपर हमने ये मिरर चिपका रखे हैं, और हम कहते हैं कि हम इनको घुमा करके ऐसे हेलिक्स बनाना चाहते हैं, तो हेलिक्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन ये मिरर अगर दिक्कत ना दें तो बन जाएगी, या आपने इसमें जो लगा रखे हैं अगर वो घुमाव की परमिशन देते हैं तो बन जाएगा, अगर घुमाव की परमिशन नहीं देते हैं तो नहीं बनेगा। ऐसी चीज़ें आप बीटा सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आप जैसा कन्फर्मेशन चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं अगर वो हैं तो बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। और ये जो कन्फर्मेशंस हैं, इन कन्फर्मेशंस के लिए कितना घुमाव या कौन से घुमाव जरूरी हैं, नेसेसरी रोटेशन, नेसेसरी वैल्यूज, नेसेसरी वैल्यूज ऑफ एंगल्स। तो नेसेसरी वैल्यूज ऑफ एंगल्स का मतलब फाई एंड साई एंगल्स, कि कितने डिग्री फाई एंड कितने डिग्री साई जरूरी है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमें एक प्लॉट से समझ में आती है, और उस प्लॉट को हम बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट, और रामचंद्रन प्लॉट के लिए ही हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, स्टेरिक एक्सक्लूजन, स्टेरिक एक्सक्लूजन कॉन्टर डायग्राम। कि रामचंद्रन प्लॉट एक्चुअल में क्या है, स्टेरिक एक्सक्लूजन कॉन्टर डायग्राम होता है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ इस प्लॉट को समझने के लिए जो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए वो ये है कि प्लॉट के ऊपर हम शो करते हैं, कि प्लॉट के ऊपर दर्शाया जाता है, रामचंद्रन प्लॉट के अंदर कुछ दिखाया गया है ना, कुछ शोड है वहाँ पे। क्या दिखाया गया है कि फाई एंड साई की वैल्यूज़ दिखाई गई हैं, कि फाई एंड साई की वैल्यूज़ वहाँ पे शोड हैं, और ये कौन सी वैल्यूज शोर्ड हैं। जैसे एक बात होती है कि फाई साई की वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी वैल्यू तो -180 डिग्री से +180 डिग्री तक हो सकती है, ऐसे ही फाई की कितनी हो सकती है, -180 डिग्री से प्लस की 180 डिग्री तक हो सकती है। तो कितनी हो सकती है ये थ्योरेटिकल बात है कि हाँ इसको इतना घुमाया जा सकता है कि उसको दाहिनी तरफ पूरा घुमा दो, बाईं तरफ पूरा घुमा दो, घूम जाएगा ना, ये थ्योरेटिकल है। अगर कोई चीज़ घूमने में दिक्कत नहीं दे रही है तो हम इतना घुमा सकते हैं, ऐसी बातें हैं, राइट। लेकिन जब हम बात करते हैं कि साइड चेन में भी कुछ होगा, माइड प्लेन भी कुछ होगा, तो जितना ये हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है इतना हमें मिलता नहीं है, ये नॉट ऑब्जर्व इन नेचर, ये थ्योरेटिकल है, यहाँ घुमाया जा सकता है ना, थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। लेकिन रियल में कितना घुमाव हमें मिल जाता है वो अलग चीज़ है। तो रोटेशन कितना किया जा सकता है ये थ्योरेटिकल बातें हैं, हमें ऑब्जर्व कितना होता है वो अलग बातें हैं। तो फाई एंड साई की जो वैल्यूज यहाँ पे दिखाई गई हैं, दे आर ऑब्जर्व और परमिसेबल,
कि हाँ अगर आपने कुछ ऐसे अमीनो एसिड लिए हैं तो उनके लिए 5-HI वैल्यूज ये हो सकती हैं, या ये वैल्यूज़ उनकी परमिशेबल हैं कि हाँ ऐसी 5-HI वैल्यूज़ उनके साथ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी ले लिया उसको हम कितना भी घुमाना चाहें तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप ये कहें कि हमारे पास कोई भी अमीनो एसिड, हमने एनी अमीनो एसिड ले लिया और हम उस एनी अमीनो एसिड को हम जितना चाहें उतना घुमा दें, 180 डिग्री से प्लस एस 180 डिग्री, हम उस कोई भी एंगल को हम कहें कि फाई को हम जितना चाहें उतना घुमा दें, यानी कि आप कह रहे हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड को जितना चाहें उतना घुमा दें, आप कह रहे हैं कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को जितना चाहें उतना घुमा दें, तो ऐसे कैसे घुमा सकते हैं? साइड चेन में भी तो बहुत कुछ लगा हुआ है ना, आर भी तो लगे हुए हैं, तो वो जो आर लगे हुए हैं या आर ग्रुप जो लगे हुए हैं उनकी वजह से कितनी दिक्कत आएगी? जो दिक्कत आएगी वो घुमाव नहीं हो सकते, यानी कि स्टेरिक प्रॉब्लम्स आएंगी, तो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम नहीं दिखा सकते, दिस इज स्टेरिक एक्सक्लूजन, कि वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो बेसिस है, प्लॉट का जो बेसिस है, उस बेसिस को आप सिंपली क्या कह सकते हैं? स्टेरिक एक्सक्लूजन, स्टेरिक एक्सक्लूजन, कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो इस पे दिखाई भी नहीं गई है, तो ओनली परमिसेबल 5-HI आर शॉर्ट। तो प्लॉट के ऊपर दिखाया गया है, 5-HI को दिखाया गया है, 5-HI की वैल्यूज दिखाई गई है, लेकिन केवल वही वैल्यूज दिखाई गई है जो परमिशेबल है, तो जो परमिशेबल नहीं है वो नहीं दिखाई गई, नॉट परमिशेबल स्टेरिक एक्सक्लूजन में आ गए। स्टेरिक एक्सक्लूजन का मतलब जो 5-HI की वैल्यूज परमिशेबल नहीं है वो इस पर नहीं दिखाई जा सकती, यानी कि प्लॉट हैज ओनली परमिसेबल वैल्यूज ऑफ साइफाई शॉर्ट। तो प्लॉट में केवल वही चीज़ दिखाई गई है जो परमिसेबल है, और जो नहीं परमिसेबल है वो नहीं दिखाई गई है। ठीक है, एक फर्दर स्टेप में इस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर है और यहाँ पे या आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के साथ में एक ग्रुप यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ है, दिस इज एक्स। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा घुमाव करना चाहते हैं कि एक्स एंड वाई सेम पोजीशन पे आ जाएं, कि आप इसको कुछ ऐसा घुमाना चाहते हैं कि जहाँ पे एक्स आ रहा है उसी जगह पे हमें वाई भी मिल जाए। राइट, तो आपने कुछ घुमाया होगा 5-HI के साथ, कुछ किया होगा कि आपने कुछ रोटेशन करने की कोशिश की, लेकिन आप उस रोटेशन से क्या चाह रहे हैं, या हमारा रोटेशन इस प्रकार का है कि हमारे दो एटम एक्स एंड वाई आर द टू एटम्स, टू एटम्स और टू मॉलिक्यूल्स, कि दो हाइड्रोजन एक जगह पे आप करना चाहें कि इस जगह पे पहला हाइड्रोजन भी उसी जगह पे आ जाए, दूसरा हाइड्रोजन भी उसी जगह पे आ जाए, तो स्पेस के अंदर एक जगह पे दो चीज़ एक समय में नहीं आ सकती, तो दो एटम या दो मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम प्लेस, कैन नॉट ऑक्यूपाई सेम स्पेस एट सेम टाइम। ये इसका प्रिंसिपल है कि आप कोई ऐसा घुमाव नहीं कर सकते जिस घुमाव की वजह से दो या दो दो एटम या दो मॉलिक्यूल एक समय पे एक जगह पे, क्योंकि ये स्टेरिकली पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल इन स्पेस, नॉट पॉसिबल इन स्पेस, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि एक समय पे एक चीज़ ही आ सकती है, वहाँ पे आप उसी जगह पे दूसरी चीज़ उसी समय पे कहीं लगा नहीं लगा सकते, जब तक आप पहली को हटाएंगे नहीं दूसरी वहाँ पे आ नहीं सकती, तो ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल इन स्पेस। तो जो पॉसिबल नहीं है वो नॉट शॉर्ट, तो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब स्टेरिक एक्सक्लूजन है, इसी का नाम स्टेरिक एक्सक्लूजन है, कि ये नहीं हो सकता, दिस इज स्टेरिक एक्सक्लूजन। तो जो नहीं हो सकता वो दिखाया भी नहीं गया, नॉट शॉर्ट, यानी कि प्लॉट में केवल वही दिखाया गया है
जो हो सकता है, यानी कि दो एटम एक जगह पे ना आए, उसके लिए कौन कौन से फाइसाई हो सकते हैं वो दिखाए गए, और ऐसे फाइसाई जिनके कॉम्बिनेशन से दो एटम या दो मॉलिक्यूल एक जगह पे आ जाए, उसे स्टेरिक प्रॉब्लम हो, वो प्लॉट में नहीं दिखाई गई है। समझ गए बात को? हाँ सर। ठीक है, ओके ना। चलो इसको हम रामचंद्रन प्लॉट से समझते हैं। ये हमारे पास रामचंद्रन प्लॉट का डायग्राम है, और ये हमारे पास जो डायग्राम है ये हमने बनाया है एलानिन रेसिड्यूस। ठीक है, आपके पास कोई भी चैन होगी और इस चैन में केवल एलानिन 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 ये है, यानी कि पॉली एलानिन है चैन। पॉली एलानिन रेसिड्यूस कि आपके पास कोई चैन है और चैन में लगे हुए अमीनो एसिड्स को हम रेसिड्यूस बोलते हैं, और सारे अमीनो एसिड कौन से हैं? एलानिन 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 है ओनली। ठीक है, तो एलानिन को हमने इसलिए लिया है क्योंकि ग्लाइसिन के साथ में कुछ इश्यूज हो जाते हैं कि वह अल्फा हेलिक्स वगैरह के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है ना, तो ग्लाइसिन ना लेकर के एलानिन को लेकर के डायग्राम बनाया गया है, और ये रामचंद्रन प्लॉट का एक बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी बातें समझनी है, लेकिन पहले केवल ये समझें कि अभी हम इस डायग्राम के अंदर एक ऐसा पेप्टाइड ले रहे हैं कि इस पेप्टाइड में केवल एलानिन का बना हुआ पेप्टाइड है, तो पॉली एलानिन पेप्टाइड एक प्रकार का ना। ठीक है, आपको जहाँ भी कोई भी इश्यू लगे ना, तो आप हाथों हाथ वहाँ पे मुझसे पूछ लेना ना, कि आपको ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक पेप्टाइड ली और उस पेप्टाइड में केवल एलानिन है, यानी कि पॉली एलानिन रेसिड्यूज हमने ले रखे हैं। ओके, प्लॉट में केवल फाई एंड साई को शो किया जाता है, प्लॉट में ओनली एंगल्स शोड है, ओनली एंगल्स को दिखाया गया है। देखिए, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का जीरो है, और जीरो से इधर आएंगे तो दिस विल बी माइनस, दिस इज द माइनस 180 डिग्री, और अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो दिस विल बी प्लस 180 डिग्री। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने दिखा रखा है फाई वैल्यूज को, दिस इज फाई एंगल्स, फाई एंगल का मतलब दिस इज एमाइड नाइट्रोजन एंड सी एल्फा, कि एमाइड प्लेन का नाइट्रोजन और सी एल्फा के बीच में जो बॉन्ड है उसको हम कितना रोटेट कर सकते हैं, ये इस वाले बॉन्ड का रोटेशन था फाई। ठीक है, तो जीरो से माइनस के अंदर दिस इज एंटी क्लॉक, अगर आप इधर जा रहे हैं दिस इज एंटी क्लॉक रोटेशन, अगर आप इधर जा रहे हैं तो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, ऐसे ही हमने वाई एक्सिस को लिया है, दिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर दूसरे वाला एंगल दिखाया गया, दिस इज साई एंगल, दिस इज साई, और साई का मतलब दिस इज सी अल्फा एंड सी, तो एमाइड प्लेन का कार्बन और अल्फा कार्बन उनके बीच के एंगल को हम साई से डिनोट करते हैं। तो ये साई की परमिशन है कि हम इस एंगल को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा सकते हैं, तो दिस इज ज़ीरो, अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो दे विल बी प्लस 180 डिग्री, दिस विल बी प्लस 180 डिग्री, यानी कि क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, अगर हम माइनस में जाएंगे तो वी विल फाइंड -180, दिस इज एंटी क्लॉक। तो पहला पॉइंट कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर साई दिखाया गया है, वाई एक्सिस के ऊपर साई दिखाया गया है, यहाँ पे फाई और यहाँ पे साई,
कि एक्स के ऊपर फाई की वैल्यूज एंड वाई के ऊपर साई की वैल्यूज शोर्ड है, ठीक है। और फिर हम इस पॉइंट को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जीरो जीरो वैल्यूज हैं, ठीक है। यहाँ से हम इधर जाएंगे तो इस साइड में जाने पे फाई की वैल्यूज प्लस में और इधर जाने पे फाई की वैल्यूज माइनस में, ऊपर जाने पे साई की वैल्यूज प्लस में और नीचे जाने पे साई की वैल्यूज माइनस में। इसमें चार चार पार्ट्स हैं ना, क्वार्टर्स हैं, फोर क्वार्टर्स हैं। इस प्लॉट के चार हिस्से हैं, फोर क्वार्टर। दिस इज राइट हैंड साइड अपर क्वार्टर या अपर कॉर्नर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड अपर कॉर्नर, दिस इज राइट हैंड साइड लोअर क्वार्टर एंड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड लोअर क्वार्टर। तो फोर क्वार्टर्स में डिवाइड है, प्लॉट के अंदर चार भाग हैं और चार क्वार्टर्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज शो हैं, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे दिखाया गया है और उन्हीं चीज़ों को हमें समझना है। ओके, चलिए पहले हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। दिस इज अल्फा आर, अल्फा आर का मतलब राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, आर फॉर राइट हैंडेड। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर एल अमीनो एसिड्स हैं और एल अमीनो एसिड से हमारी बॉडी के अंदर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स पाई जाती है। तो अगर हमने ओनली एलानिन का एक चैन लिया हो और हम उस एलानिन के चैन से यानी कि पॉली ए एलानिन से अगर हम एक राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बनाना चाहें तो वो बन जाएगी, है ना। इस पे दिखाया हुआ है, इसका मतलब वो परमिशेबल है कि इट इज़ ऑब्जर्वेबल कि ये हमें मिल जाएगी। लेकिन ये हमें कब मिलेगी, जब हमारे पास फाई साई की वैल्यूज कुछ इस प्रकार से हो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर हम इस प्रकार से जाएंगे, वन सेकेंड, दिस विल, तो यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं साई की, साई की इतनी वैल्यूज है। और इसी प्रकार से हम फाई की बात करें तो फाई की वैल्यूज नीचे मिलेंगी कि आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो दिस विल बी फाई की वैल्यूज। तो साई की वैल्यूज की बात करी जाए तो जीरो और माइनस में जा रहा है तो तकरीबन ये 45 से 70 के तक जाएंगे, माइनस 40 से माइनस 75 तक। और इधर हम जाएंगे तो ये माइनस के अंदर जीरो से गए थे तो तकरीबन माइनस 60 से माइनस 180 तक है। ज़्यादा वैल्यू ऑफ फाई एंड दी ज़्यादा वैल्यू ऑफ साई। तो अगर हमने एक पेप्टाइड लिया, उस पेप्टाइड में ओनली पॉली एलानिन हो तो हम उससे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बना सकते हैं, नेचर में हमें राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिल जाएगा। लेकिन क्या ज़रूरी है, ज़रूरी है कि वहाँ पे जो हमारे फाई की वैल्यूज हैं वो माइनस 60 से माइनस 180 के बीच में हो और वहाँ पे जो साई की वैल्यूज हैं वो हमारे पास माइनस 40 से माइनस 75 तक हो। मीन्स आप कुछ ऐसे कह सकते हैं, बहुत बहुत ही ध्यान से आपको इस चीज़ को समझना है कि अगर आपने ओनली पॉली एलानिन को लिया और आप वहाँ पे एंगल्स जो हैं फाई एंड साई अगर इनको केवल इतना घुमाते हैं कि फाई की वैल्यू इनमें से कोई भी हो, साई की वैल्यू इनमें से कोई सी भी हो, तो हम एक अल्फा हेलिक्स का डिज़ाइन प्राप्त कर सकते हैं।
अगर इनके अलावा हमने घुमाया, सपोज आपने यहाँ इसको इतना घुमाया कि फाइव की वैल्यूज मान लीजिए आपने ले ली -10, और साई की वैल्यू आपने ले ली दिस इज -10, तो अब देखिए कहाँ पहुँचेंगे कि आपको फाइव देखना है, 5 -10, तो 5 -10 लगभग यहाँ आ जाएगा और साई -10 लगभग यहाँ आ जाएगा। तो आप इन पॉइंट्स को जोड़िए कि ये पॉइंट लगभग यहाँ जुड़ेंगे और ये पॉइंट हमारे अल्फा हेलिक्स जो कि राइट हैंडेड है उससे बाहर है, ये यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स अगर हमने बॉन्ड को इतना घुमाया जो कि परमिसेबल से बाहर था, तो हम उस जगह पे हैं जहाँ पे अल्फा हेलिक्स नहीं बन सकते। यानी कि अगर हमारा जो ये ब्लू कलर से किया हुआ एरिया है उसमें कोई भी पॉइंट अगर हमें मिल जाए, मान लो कि हमें ये पॉइंट मिल गया, तो इस पॉइंट को आप फॉलो कर सकते हैं। कैसे फॉलो करें? सपोज ये पॉइंट हमारे पास आ गया ना, हम इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो यहाँ से हमें फाइव की वैल्यू मिलेंगी। सपोज मान लीजिए कि ये है -70, है ना, आप यहाँ से नीचे देखेंगे ना तो -70 मिल जाएगा, -70, 75 जो भी है, ठीक है ना। यहाँ पे -60 से और जाएंगे तो -70, 75 ऐसा कुछ ही आना है, और आप इधर देखेंगे तो यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही वैल्यू आना है। तो जो भी पॉइंट हमने लिया उस पॉइंट से आप एक्स एंड वाई एक्सिस के ऊपर देखिए, और ये वैल्यू अगर परमिशेबल में है तो ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी कि ऐसे एंगल होने पे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बन सकती है। कब? जब हमारे पास कौन हो, पोली एलानिन हो, राइट। अगर सिमिलरली हम ये कहें कि इस बार हमारे पास एलानिन नहीं ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन होने पे ये एरिया बढ़ जाएगा। तो इसमें कुछ पार्ट और ऐड हो गया, ये एरिया इसमें ऐड हो गया। मींस पहले हमारे पास साई की वैल्यूज केवल इतनी ही परमिशेबल थी, अब इसमें साई की वैल्यूज अगर ग्लाइसिन अगर हमने लिया, ग्लाइसिन लेने पे साई की वैल्यूज हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे -40 लिया था, तो -40 से कहाँ तक चली जाएंगी, तकरीबन -70 तक, -170 तक चली जाएंगी क्योंकि यहाँ तक आ जाएगा। तो अगर एलानिन हुआ तो -75 तक ही रुकना पड़ेगा, यानी कि एलानिन की साइड चेन में मैथिल ग्रुप है उसको हम ज़्यादा नहीं घुमा सकते। अगर ग्लाइसिन लिया तो हम बहुत ज़्यादा घुमा सकते हैं। तो अगर हमने एलानिन लेकर के अल्फा हेलिक्स बनाई तो बन सकती है, अगर हमने ग्लाइसिन लेकर के अल्फा हेलिक्स बनाई तो बन सकती है, ठीक है। परमिसेबल एंगल्स का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास साई की वैल्यूज कितनी आ रही थी, दिस विल बी -40 से -75 तक, और यहाँ जाते ही हमारे पास वैल्यू बढ़ जाती है -40 से -170 तक, यानी कि परमिशन बढ़ गई है, यानी कि और एंगल भी पॉसिबल हो गए। तो स्टेरिक प्रॉब्लम कितनी कम हुई कि ग्लाइसिन में साइड चेन में हाइड्रोजन है और यहाँ पे मैथिल था, तो स्टेरिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हुआ कि साइड चेन छोटी हो गई, साइड चेन छोटी हो गई तो परमिशन बढ़ गई है, तो इतनी परमिशन इसमें ऐड हो गई है। तो ग्लाइसिन से भी अल्फा हेलिक्स बन सकती है, एलानिन से भी बन सकती है, बट परमिशंस का डिफरेंस है। और हम यहाँ पे जो सॉलिड लाइन से दिखा रखा है वो एलानिन को लेकर के है, और जो डैश लाइन से दिखा रखा है वो ग्लाइसिन को लेकर के है। तो ग्लाइसिन की वजह से एरिया बढ़ जाता है, और क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लाइसिन की साइड चेन छोटी है तो उससे जो स्टेरिक प्रॉब्लम वो कम होती है, तो परमिसेबल जो एंगल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, परमिसेबल एंगल्स उसमें ओवर ऐड हो जाते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? ये बातें क्लियर हुई ना चंचल? ठीक है ना, बिल्कुल से आपको ये क्लियर करना है कि ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है। ओके, ऐसे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि दिस इज अल्फा हेलिक्स बट दिस इज लेफ्ट हैंडेड, दिस इज अल्फा लेफ्ट हैंडेड, तो दिस इज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स।
लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स नेचुरली नहीं पाई जाती, लेकिन अगर डी अमीनो एसिड्स हो, ये कब बन सकती है? अगर हमने चैन किससे लिए, डी अमीनो एसिड्स के लिए, नॉर्मली हमारी बॉडी में एल अमीनो एसिड्स उनसे नहीं बनेगी, तो नॉर्मली ये नहीं पाई जाती है। लेकिन अगर आपने एलनिन लिया और वो भी डी की जगह पे एल एलनिन ले लिए, तो आपको ये एरिया मिलेगा और फिर आप उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज देख सकते हैं कि दीज आर द वैल्यूज ऑफ साई, और ऐसे आप इनकी फाई की वैल्यू देख सकते हैं। तो फाई की वैल्यू भी प्लस में है, ये वैल्यूज भी प्लस में आएंगी कि जीरो से आप इधर गए ना, दिस विल प्लस, और साई की वैल्यूज भी कैसे आएंगी, प्लस में आएंगी। तो बिल्कुल डिफरेंट है कि यहाँ जो वैल्यूज थी उनका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ दोनों वैल्यूज माइनस में थी, वहाँ दोनों वैल्यूज प्लस में हो जाएंगी। तो हम लेफ्ट हैंडेड भी प्राप्त कर सकते हैं, राइट हैंडेड भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन चीज़ें आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी कि आपको ऐसे एंगल बना करके आप लेफ्ट हैंडेड जो है एलिक्स है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंडेड तभी बनेगी जब अमीनो एसिड डी नेचर के होंगे, यानी कि आप एल वाले अमीनो एसिड को इतना नहीं घुमा सकते कि आप उससे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बना लो। तो डी वाले को घुमा करके आप ये बना सकते थे, लेकिन डी वाले को घुमा करके हम ये बना सकते हैं, एल वाले को रोटेट करके हम ये बना सकते हैं। रोटेशन की परमिशन कितनी है वो हमें फाई साई को देख करके बतानी होती है। क्लियर है ना? बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि राइट हैंडेड नेचर में मिलती है क्योंकि हमारे अमीनो एसिड एल टाइप के हैं, और एलनिन लेने पे कौन से एंगल परमिशेबल हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चंस करने होते हैं वो पॉली एलनिन या ये जो डायग्राम हम समझ रहे हैं उसके ऊपर ही बेस्ट होते हैं। तो हमें पता रहना चाहिए कि हाँ हमने डायग्राम में कौन सी चीज़ कहाँ दिखाई है, और जब हमें वो पता हो जाए तो हम वहाँ से फाई और साई का आइडिया लगा सकते हैं कि माइनस में कहाँ से कहाँ तक होंगी या प्लस में कहाँ से कहाँ तक होंगी, तो हम लगभग हमारे जो आंसर है उस पर जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें फर्दर और एरिया को जोड़ सकते हैं। दिस इज द एरिया फॉर एंटी पैरेलल बीटा सीट, दिस इज द एरिया फॉर पैरेलल बीटा सीट, एंड दिस इज द एरिया फॉर कोलेजन हेलिक्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स। तो बिल्कुल उसी प्रकार से अगर आप एंटी पैरेलल की बात कर रहे हैं तो दिस इज डिनोटेड बाई बीटा, पैरेलल के लिए बीटा प्राइम से डिनोट है। इनके फाई साई हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे हम इनके फाई साई निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें इनके साई मिल जाएंगे, और फिर हम वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस पे देखें तो हमें इनके फाई मिल जाएंगे, फाई एंगल्स। तो प्लॉट के ऊपर कौन सा पार्ट कहाँ है और किस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ये एंटी पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा कोर क्वार्टर है प्लॉट का और कौन से क्वार्टर में कौन सी पोजीशन है, और उससे फिर हम फाई साई को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी एरिया हैं जो परमिशेबल हैं। देखो ये डैश एरिया नहीं है, एक सेकंड, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं समझने में, आपको नहीं करनी है। यहाँ पे ये कुछ दिखाया हुआ है लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, जो उस लाइन के अंदर आ गया वो तो पैरेलल एंटी पैरेलल या कोलेजन उसका मामला था, जो हमने हल्का सा ब्राउनिश कलर से कर दिया, लेकिन उसके बाद में जो हमने येलो कलर से किया है ये कुछ वो एरिया है जो परमिशेबल है। दिस इज परमिशेबल कि ऐसे फाइसाई हो सकते हैं, लेकिन ऐसे फाइसाई होने से डिज़ाइन कुछ नहीं बनेगा। जैसे आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, सपोज आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को आप ट्रेस कर सकते हैं, राइट, आपने इसको ट्रेस कर लिया कि इसके लिए साई की वैल्यूज आ गई आपके पास और इसके लिए फाई की वैल्यूज भी आ गई आपके पास, राइट। हाँ, ऐसे फाई साई परमिशेबल तो हैं कि आपने एलनिन लिया और उसमें आप इतना डिग्री इसको घुमाएं साई से, इतना डिग्री इसको घुमाएं फाई से, तो घुमा सकते हो, घूम जाएगा, घूमने की परमिशन है,
लेकिन इतना घुमाने के बाद में आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब ना तो वो राइट हैंडेड है, ना वो लेफ्ट हैंडेड है, ना वो पैरेलल है, ना वो एंटी पैरेलल है, ना वो कोलिजन है, वो उसके अलावा है। यानी कि दिस इज रैंडम स्ट्रक्चर, रैंडम कॉइल, दिस इज रैंडम कॉइल, कि उसमें घुमाव है लेकिन वो अल्फा हेलिक्स वाला भी नहीं है, बीटा सीट वाला भी नहीं है, दाहिनी हेलिक्स वाला भी नहीं है, बाई हेलिक्स वाला भी नहीं है, बट उसमें घुमाव है, वो कुछ भी है, दिस इज रैंडम, दिस इज रैंडम। तो प्लॉट के ऊपर जो सॉलिड लाइन से शो हुआ है वो परमिशेबल है, एंड परमिशेबल किसके लिए, जो आपने प्लॉट में दिखाया है, मीन्स पॉली एलानिन के लिए। तो पॉली एलानिन के लिए जो भी परमिशेबल है वो हमने प्लॉट के अंदर दिखा दिया सॉलिड लाइन से, और जो हमने डैश किया है दैट इज़ फॉर एक्स्ट्रा एरिया फॉर ग्लाइसिन। जैसे आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया तो दिस इज ग्लाइसिन, कि ग्लाइसिन होता तो इतना और आप कोई भी फाइसाइल लेते तो भी लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स आपको मिल जाता। तो दिस इज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, तो ये एक्स्ट्रा एल अल्फा एल ही है लेकिन ये ग्लाइसिन होने पे है। तो ग्लाइसिन होने पे देखो राइट हैंडेड का एरिया भी बढ़ जाता है और लेफ्ट हैंडेड का एरिया भी बढ़ जाता है। ऐसे कुछ एरिया ऐसा भी है जो आपको यहाँ मिल रहा है, ये वो एरिया है जो परमिशेबल है, लेकिन इट इज परमिशेबल फॉर ग्लाइसिन ओनली, परमिशेबल फॉर ग्लाइसिन ओनली। क्योंकि डॉट लाइन से ना, डॉट लाइन यहाँ पे ग्लाइसिन को बता रही है, अगर ये सॉलिड लाइन होता तो ये एलानिन को बताता, ठीक है। तो एलानिन के कौन कौन से एरिया पॉसिबल हैं या कौन कौन से फाइसाई पॉसिबल हैं वो सॉलिड लाइन उनसे दिखाए हुए हैं। ग्लाइसिन के वही एरिया परमिशेबल ज़्यादा हो जाते हैं वो डैश लाइन से दिखाए हुए हैं। और जब आप इस एरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ऐसा कन्फर्मेशन मिलेगा जो पॉसिबल है, लेकिन वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी नहीं है, वो बीटा सीट ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अगेन ए रैंडम स्ट्रक्चर, दिस इज अगेन ए रैंडम कॉइल, बट इट इज परमिशेबल फॉर ग्लाइसिन ओनली। कि आपने कहा कि यहाँ का कोई फाइसाई है तो दिस विल बी फाई, एंड फाइसाई यहाँ से आप ले लीजिए, तो ये आपके पास वैल्यू मान लीजिए कि आपने ले लिया दिस इज साई इज इक्वल टू -160, और यहाँ पे फाई मिल गया आपको +140। तो अगर आपने ऐसे एंगल लिए और आपने ग्लाइसिन लिया तब तो आपको ये मिलेगा, अगर आपने ऐसे सेम एंगल लिए और एलानिन लिया तो नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे जो दिखाया गया है वो परमिशेबल होना चाहिए और वो मिलेगा, वो दिख रहा है इस प्लॉट के ऊपर। और यहाँ पे दो चीज़ों के लिए दिखाया गया है, एलानिन के लिए, और फिर डैश एरिया जो डॉट एरिया है वो उसमें ओवर ऐड कर दिया वो ग्लाइसिन के लिए, कि ग्लाइसिन हुआ तो ये एरिया बढ़ जाता है, राइट। अगर आप ये डॉट वाला एरिया निकाल दें इसमें से तो इसमें जो बचा हुआ है वो ओनली एलानिन का मैटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ का कोई पॉइंट ले सकते थे, तो इनके फाइसाई जो भी हमारे पास आते उनसे हमारे पास अगर एलानिन हुआ तो ये रैंडम कॉइल पॉसिबल थी, अगर इसकी जगह पे आप ग्लाइसिन कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ पा रहे हैं आप चीजों को? देखो बिल्कुल से बहुत सिंपल बहुत सिंपल तरीके से समझना है कि हम पेप्टाइड में कोई भी स्ट्रक्चर बनाए, कन्फर्मेशन बनाए, तो हमें घुमाना पड़ेगा। हम केवल दो जगह घुमा सकते हैं, एक हमारे पास फाई वैल्यू है, एक साई वैल्यू है। कहाँ होते हैं वो भी आपने देखा कि कार्बन और नाइट्रोजन का मामला है तो ये फाई है, कार्बन कार्बन का मामला है तो ये साई एंगल है। कितना घुमा सकते हैं उसकी परमिशन तो -80 से +80 तक है दोनों के लिए, लेकिन सच में क्या इतना घुमाया जा सकता है? नहीं घुमाया जा सकता। क्यों नहीं घुमाया जा सकता? क्योंकि स्टेरिक एक्सक्लूजन आ जाएंगे, स्टेरिक स्टैकिंग होने लग जाएगी, स्टेरिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, हिंड्रेंस आ जाएंगे, दो एटम या दो मॉलिक्यूल एक साथ एक जगह पे नहीं ले जा सकते, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो क्या हम थोड़ा बहुत भी नहीं घुमा सकते? यस, हम घुमा सकते हैं।
कितना घुमा सकते हैं वो प्लॉट पे दिखाया हुआ है। अगर हमने एलानिन लिया तो कितना कितना घुमा सकते हैं आप सॉलिड लाइन को देख लीजिए। जब आपने किसी भी सॉलिड लाइन के अंदर कोई भी पॉइंट लिया तो आप उसका फाई साई देख लो, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर इतना फाई और इतना साई एंगल हो और पेप्टाइड में केवल एलानिन हो तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिल सकती है, लेफ्ट हैंडेड मिल सकती है, बीटा सीट है, एंटी पैरेलल, पैरेलल कोलेजन हेलिक्स, ये सब हमें मिल सकते हैं एलानिन से, ये सब हम बना सकते हैं। लेकिन हमें उनके अकॉर्डिंग फाई साई वैल्यू के जो घुमाव हैं वो पेप्टाइड में होने चाहिए, तभी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे एरिया भी हैं जो पॉली एलानिन होने पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो कोई रेगुलर कंफर्मेशन नहीं है, ना तो वो राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, ना वो बीटा सीट है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो परमिशेबल है कि हाँ ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे घुमाव वाले डिज़ाइंस बन सकते हैं, तो दे आर रैंडम स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा आप बढ़ जाते हैं एक स्टेप और, कि अगर आपने ग्लाइसिन ले लिया तो वहाँ पे इश्यू थोड़ा सा ऐसा हो गया कि आपको घुमाने में थोड़ा आसानी हो गई, कि साइड चेन छोटा है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा घुमा पा रहे हैं, और ज़्यादा घुमा पा रहे हैं तो स्टेरिक प्रॉब्लम कम हो गई है, तो आपका एरिया जो परमिसेबल एरिया वो थोड़ा बड़ा हो गया है। ऐसा इंक्रीजमेंट आपको राइट हैंडेड हेलिक्स में भी मिलता है, ऐसा इंक्रीजमेंट आपको लेफ्ट हैंडेड में भी मिलता है। आपको जो राइट हैंड साइड का जो लोअर कॉर्नर है वहाँ पे, तो आपको प्लॉट में भी एक ऐसा एरिया मिल जाता है जो परमिसेबल है ओनली फॉर ग्लाइसिन, दिस इज़ परमिसेबल ओनली फॉर ग्लाइसिन। ठीक है, फिर एक इश्यू आपको थोड़ा सा ये देखना होता है कि क्या नेचर के अंदर लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी बन सकती हैं क्या, तो आपका आंसर होगा कि यस बन सकती हैं, लेकिन शर्त है कि जो बनाने वाले अमीनो एसिड हैं वो साधारण नहीं हो, यानी कि वो डी अमीनो एसिड होने चाहिए, नॉर्मली जो मिलते हैं वो नहीं होने चाहिए। तो यस, अगर डी अमीनो एसिड्स हों तो हम लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्लॉट में कोई भी चीज़ हो, चाहे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो, लेफ्ट हैंडेड हो, या बीटा हो, पैरेलल एंटी पैरेलल, कोई सा भी आप कन्फर्मेशन लें, तो वो पॉसिबल है या नहीं वो तो आपको प्लॉट से क्लियर हो गया। प्लॉट पे कौन सा भाग कहाँ दिखाया जाता है इसका एक हल्का सा स्केच आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाँ हमने यहाँ यहाँ पे ये दिखाया। आप इसको रफ पेज के ऊपर बना के कोशिश भी करेंगे कि फाई कहाँ पे है, साई कहाँ पे है, जीरो कहाँ पे है, प्लस 180 कहाँ पे है, माइनस 180 कहाँ पे है, फिर आप इनको ड्रा करें कि राइट हैंडेड का एरिया कहाँ था, लेफ्ट का कहाँ था, बीटा एंटी पैरेलल पैरेलल कोलिजन कहाँ थे वो एरिया, है ना, उनको थोड़ा ड्रा करें ताकि आपको आइडिया लग जाए, और फिर आप उससे कोरिलेट कर लेंगे, वैल्यूज़ को कोरिलेट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की फाई साई है ना, तो थोड़ा सा आपको एक ऐसा आइडिया रह जाएगा। फिर ऑलमोस्ट जैसे भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पर आप जा सकते हैं और उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो अभी आपने जो समझा वो केवल एलानिन को लेकर के समझा, और फिर ग्लाइसिन को लेकर के आपको एरिया कैसे बढ़ जाता है वो आपने उसमें ऐड कर दिया, तो अभी आपने इतना ही इसमें देखा। इसके बाद में फिर ऐसी चीज़ भी आ सकती है कि मान लो कि आपने एलानिन की जगह पे ट्रिप्टोफान लिया, तो ट्रिप्टोफान लेकर के अगर आप ऐसा घुमाना चाहें या ये सेम एंगल फाई साई आप उसके लिए अप्लाई करना चाहें तो सेम स्ट्रक्चर आपको मिलेगी क्या? कोई ज़रूरी नहीं है, वो स्ट्रक्चर नहीं भी मिल सकती है। अलग अलग अमीनो एसिड्स के लिए, यानी कि ऐसे जो स्टेरिक एक्सक्लूजन डायग्राम हैं या स्टेरिक काउंटर डायग्राम हैं, ये हमारे पास बहुत सारे बनेंगे। मतलब आपने एलानिन के लिए बनाया, ऐसे आप मिथियोनिन के लिए बना सकते हैं, फेनिल एलानिन के लिए बना सकते हैं, सबके लिए अलग अलग बन सकते हैं। फिर एक चेन में एक से ज़्यादा प्रकार के अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, तो कौन कौन से आ सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा पेप्टाइड के अंदर सारे एलानिन ही होंगे, सारे मिथियोनिन ही होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो कोई भी अमीनो एसिड आ सकते हैं, तो कौन कौन से आए, फिर उनके कौन कौन से फाई साई पॉसिबल हैं, तो ये एक एनर्मस वर्क हो जाता है। उसके लिए कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं वो काम करते हैं, सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं वो काम करते हैं, वो फिर हमें ये डिज़ाइन बना के देते हैं कि हाँ स्टेरिक परमिशन कहाँ कहाँ पे हैं, और जो जो स्टेरिक परमिशन हैं वो केवल प्लॉट के ऊपर दिखाई जाते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो प्रोटीन वाला चैप्टर ना, उसका सबसे ब्रिलियंट टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अल्फा हेलिक्स हो, बीटा सीट हो, या स्टेरिक एक्सक्लूजन काउंटर डायग्राम या रामचंद्रन प्लॉट हो, प्लॉट के ऊपर क्या है, कैसे समझना होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, क्या यही प्लॉट सारे अमीनो एसिड के लिए लागू होता है, नहीं, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि मेन पॉइंट्स आप यहाँ से पिन आउट करें, और उनको बिल्कुल से आपको 100% की, जब भी आपको कोई भी ऐसा इश्यू सॉल्व करना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ग्रुप में शेयर कर रखे हैं,
तो आप ऐप पे जाएं और वहाँ पे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज डले पड़े हैं, तो प्रोटीन के क्वेश्चंस हैं, रामचंद्रन प्लॉट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फाइसाई के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप उन पे काम करें। पहला काम, इस प्लॉट को बार बार 2-3 बार आप उसको ड्रा करें, कौन सी चीज़ कहाँ पे। एक बार ओनली एलेनिन के लिए बनाइए, फिर उसमें ग्लाइसिन को ऐड कीजिए, फिर उसको अप्लाई करना सीखिए और फिर क्वेश्चन पे काम कीजिए, राइट। तब जाकर के हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं और इसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सी सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो 4 नंबर के लिए सी पार्ट में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें, बस एक 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 प्लॉट क्लियर हो गया और हमें इसकी सारी बातें समझ में आ गई, हमारे ब्रेन में इसका एक रफली स्केच है कि हमने कहाँ क्या ले रखा है, देन आफ्टर हम वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है।